Hello everyone. Today I am going to discuss the amendments which are applicable for June 2020 exam. जो जून 2020 में CSE exam होंगे उसमें क्या क्या amendments आपके लिए applicable हैं that I am going to cover in today's lecture. अब कौन कौन से paper के amendment वही मैं पहले बता दूं which papers I am going to amendments for which paper. पहले ये समझ लीजिए, आई एम गोइंग टू कवर द अमेंडमेंट्स फॉर जून 2020 एग्जाम. नाउ विच पेपर्स? नंबर वन, कैपिटल मार्केट and securities laws, CMSL, old syllabus. Number two, old syllabus executive program, security laws and capital market. The SLCM, New Syllabus Executive Program, मतलब दोनों पेपर में अमेंडमेंट CME को भी काफी सारे टॉपिक्स कॉमन है. तो ओल्ड सिलेबस का कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉज और दैट इज CMSL, और न्यू सिलेबस का सिक्योरिटी लॉज एंड कैपिटल मार्केट, ये जो अमेंडमेंट्स मैं आज के लेक्चर में डिस्कस करूंगा दोनों के लिए सेम अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल है. तीसरा एक और पेपर जहां पे अमेंडमेंट जो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे दैट विल बी रिलेवेंट फॉर द अनदर पेपर, दैट इज द कॉर्पोरेट फंडिंग पेपर ऑफ CS प्रोफेशनल न्यू सिलेबस. जो CS प्रोफेशनल के न्यू सिलेबस में थर्ड मॉड्यूल में पेपर है कॉर्पोरेट फंडिंग, वहां भी आपके आज के जो अमेंडमेंट्स हैं आज जो हम क्लास में लेक्चर में डिस्कस करेंगे दैट उस पेपर के लिए भी रिलेवेंट होगी. इसका मतलब बेसिकली जो अमेंडमेंट्स मैं यहां डिस्कस करने जा रहा हूं द सेम अमेंडमेंट्स आर रिलेवेंट फॉर ऑल द थ्री पेपर्स फॉर जून 2020 एग्जाम. कौन कौन से पेपर हैं? वन, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉज, दैट इज CMSL ओल्ड सिलेबस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, सिक्योरिटी लॉज एंड कैपिटल मार्केट SLCM एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम न्यू सिलेबस, and corporate funding paper that is CS professional new syllabus. ये तीनों paper के लिए same amendments, मतलब आज के lecture में वो तीनों paper के लिए relevant होंगे, तीनों paper के context में apply होंगे. Is that okay? Now, अब अगला सवाल होता है amendment किस period के, amendment किस period के, ये भी आपको समझना है हम किस period के amendment cover कर रहे हैं. आज की class जो हम मैं lecture आपको दे रहा हूं, इस lecture का basically objective क्या है, यहां हम क्या कवर करने जा रहे हैं. ये इन दिस लेक्चर मैं एक एजम्पशन लेके चल रहा हूं कि साहब जो बच्चे ये अमेंडमेंट क्लास देखेंगे और इससे रिलेटेड जो नोट्स होंगे दे आर ऑलरेडी अपडेटेड, द स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी अपडेटेड फॉर दिसंबर 2019 एग्जाम, मतलब दिसंबर 2019 में जो एग्जाम हुए थे, लास्ट एग्जाम जो हुए थे उसके लिए आप ऑलरेडी, मतलब उस एग्जाम से रिलेटेड जो भी चीज थी वो आप ऑलरेडी अपडेटेड हैं. और आप जानते हैं कि सब ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया एक क्राइटेरिया है कि सब एग्जाम से 6 महीने तक पहले तक के जो अमेंडमेंट्स होते हैं वो एप्लीकेबल. इसका मतलब दिसंबर 2019 एग्जाम में 30th of June 2019 तक के जो अमेंडमेंट थे दे मस्ट हैव बीन एप्लीकेबल इन दिसंबर 2019 एग्जाम. मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं कि साहब क्योंकि उसके बाद की अमेंडमेंट की हम बात करेंगे, मतलब जो बच्चा ये पर्टिकुलर लेक्चर अटेंड कर रहा है
वो 30 जून 2019 तक की सारी अमेंडमेंट इन तीनों पेपर के लिए जो मैंने बताया सीएमएसएल एसएलसीएम एंड कॉर्पोरेट फंडिंग और प्रोफेशनल प्रोग्राम, इन तीनों पेपर की अमेंडमेंट 30 जून 2019 तक आप अपडेटेड हैं, मतलब दिसंबर 2019 के लिए आपने तैयारी कर रखी थी। अब मैंने बताया साहब मैं अमेंडमेंट कर रहा हूं फॉर विच एग्जाम, फॉर जून 2020 एग्जाम। तो फॉर जून 2020 एग्जाम हमें उसके आगे के अमेंडमेंट चाहिए। अगेन 6 महीने वाला क्राइटेरिया अगर हम लगाएं तो आप कह सकते हैं जून 2020 एग्जाम के लिए 31 दिसंबर 2019 तक के जो चेंजेज हैं अमेंडमेंट्स हैं दैट विल बी एप्लीकेबल इन जून 2020 एग्जाम। इसका मतलब जब मैं एजम्पशन लेके चल रहा हूँ 30 जून 2019 तक के अमेंडमेंट्स आपको पता होंगे, तो मैं आज के लेक्चर में क्या कवर करने जा रहा हूँ, द अमेंडमेंट्स विच हैव टेकन प्लेस changes taken place from 1st of July 2019 to 31st of December 2019, ये आपके June 2020 एग्जाम में एप्लीकेबल होंगे। मतलब 1 जनवरी 2020 ऑनवर्ड्स चेंजेस अभी भी आ रहे हैं ऑब्वियसली 1 जून 2020 ऑनवर्ड्स, लेकिन वो चेंजेस आपके 1 जनवरी 2020 ऑनवर्ड जो चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस आपके जून 2020 एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं होंगे, क्योंकि यू नो दैट 6 महीने क्राइटेरिया एज पर द आईसीएसई नॉर्म्स एंड ऑल दैट। तो मैं आज के लेक्चर में जून 2020 के लिए अमेंडमेंट आपको कवर अप कराऊंगा, उन बच्चों के जिन्होंने ऑलरेडी 30 जून 2019 तक के अमेंडमेंट्स कवर कर लिए हैं फॉर दिसंबर 19 एग्जाम, एंड उसके बाद के अगले 6 महीने के जो अमेंडमेंट्स हैं दैट इज फ्रॉम 1st ऑफ जुलाई 2019 टू 31st ऑफ दिसंबर 2019, इस पीरियड में जो चेंजेस अमेंडमेंट्स आए हैं which are going to be relevant for June 2020 exam, that is what I am going to cover in today's lecture. So, पहले आपको पता चलना चाहिए मैं किसके लिए amendment करा रहा हूँ, किस period की, and हाँ जो बच्चा 30 June 2019 तक ही updated नहीं है and December 19 के लिए आपने तैयारी नहीं की थी तो उसको पहले वहाँ तक amendments update करनी चाहिए फिर ये lecture देखना चाहिए, because मैं उसके आगे की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट चेंजेस विच टुक प्लेस फ्रॉम 1st of July 2019 टू 31st of December 2019 applicable for June 2020 exam. I hope this is clear to everyone. That is the agenda of today's class, today's lecture. तो पहले पता होना चाहिए हम क्या कवर करने जा रहे हैं। अब मैं आता हूँ अमेंडमेंट्स पे। तीनों पेपर के लिए मैंने कॉमन अमेंडमेंट्स हैं CMSL, SLCM and as well as the what we call the corporate funding paper of the professional program. Now, जो मैं अमेंडमेंट्स कवर करने जा रहा हूँ इन अमेंडमेंट्स में ही जो अमेंडमेंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन अमेंडमेंट्स में एक बात आप ध्यान रखिएगा, मतलब एक चीज मैं बताने जा रहा हूं, एक कंसेप्ट पहले बताने जा रहा हूं एंड वो कंसेप्ट एंड ज्यादातर मैक्सिमम जो अमेंडमेंट्स आप पढ़ेंगे जो मैं आज के लेक्चर में कवर करूंगा और जो एप्लीकेबल आपके इन तीनों पेपर में फॉर जून 2020 एग्जाम, वो बाय एंड लार्ज, मैं बोला बाय एंड लार्ज, कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी हैं बट बाय एंड लार्ज वो एक कंसेप्ट से जुड़ी हुई है। वो कंसेप्ट क्या है लेट अस डिस्कस दैट। तो पहले मैं कंसेप्ट डिस्कस करूंगा और उसके बाद मैं कंटेंट्स की सब उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पे किस किस लॉ में आपको आया है। तो पहले कंसेप्ट डिस्कस करते हैं एंड उस क्योंकि मैक्सिमम जो अमेंडमेंट्स हैं इन तीनों पेपर में SLCM, CMSL एंड कॉर्पोरेट फंडिंग देर एक्चुअली द अमेंडमेंट्स आर रिलेटिंग टू वन कंसेप्ट एंड व्हाट इज दैट कंसेप्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट। पहले वो समझ दीजिए उस कंसेप्ट, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली कंटेंट्स अमेंडमेंट्स एंड ऑल दैट वो आपको समझ आ जाएगा। देखिए वो हम बाद में बात करते हैं, पहले वो भी मैं पढ़ाऊंगा बट पहले यू शुड अंडरस्टैंड वन कंसेप्ट, जिसकी वजह से वो नया कंसेप्ट की वजह से आपको द नंबर ऑफ लॉज हैव बीन अमेंडेड और जिसका इम्पैक्ट आपके तीनों पेपर में आ रहा है। एक कंसेप्ट देखिए जो कैपिटल मार्केट लॉज में नया इंट्रोड्यूस किया गया दैट इज द SR इक्विटी शेयर्स। इसको हम ऐसे ही लिखते हैं SR इक्विटी शेयर्स। इसको बोलने के कई सारे तरीके हैं, इसको कई बार हम ऐसे बोलते हैं स्पेशल राइट्स इक्विटी शेयर्स। स्पेशल राइट्स इक्विटी शेयर्स या कई बार हम ऐसे भी बोलते हैं इक्विटी शेयर्स
with special voting rights, a superior voting right. Equity shares with superior voting rights. शॉर्ट में हम एसआर इक्विटी शेयर लिखते हैं विद सुपीरियर वोटिंग राइट्स. दोनों तरह के बोलते हैं, इक्विटी शेयर एसआर इक्विटी शेयर, स्पेशल राइट्स इक्विटी शेयर ये भी बोलते हैं स्पेशल राइट इक्विटी शेयर, और यही बोलते हैं इक्विटी शेयर विद सुपीरियर वोटिंग राइट्स. मैंने पहले नाम का मतलब, नाम को फुल कैसे बोलते हैं, शॉर्ट में हम बोलते हैं एसआर इक्विटी शेयर. ये नया कंसेप्ट कैपिटल मार्केट लॉज में इंट्रोड्यूस किया गया, ये कंसेप्ट कैपिटल मार्केट लॉज में था नहीं, अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ, उसके अकॉर्डिंगली आपको कई सारे कैपिटल मार्केट लॉज में अमेंडमेंट आई है. वो क्या, पहले मैं इस कंसेप्ट को पूरा समझाया था, देखिए क्या ये क्या चीज है उसको समझने की कोशिश करना. अच्छा एक सिचुएशन देखिए, लेट से एक स्टार्टअप है, स्टार्टअप कंपनी, और आप जानते हैं आजकल स्टार्टअप कंपनी या गवर्नमेंट के भी जो गाइडलाइंस वगैरह हैं, नोटिफिकेशन क्राइटेरिया, उसके अकॉर्डिंगली स्टार्टअप बोलते हैं जो मिली बीएचआर रिलेटेड भी टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस है. आजकल सारे स्टार्टअप टेक्नोलॉजी बेस्ड, आप जानते हैं वो अलग अलग फील्ड से रिलेटेड, बट बेसिक इज बेसिकली टेक्नोलॉजी के बेस पर पूरा बिजनेस डेवलप हो रखा है. मान लिया एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, इज अ स्टार्टअप कंपनी, ए मान लिया इसका प्रमोटर या फाउंडर है. आप जानते हैं स्टार्टअप जो होते हैं उसका जो प्रमोटर फाउंडर होता है, कहते हैं उसकी नॉलेज, उसकी एक्सपीरियंस, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसका एक्यूमेन, उसके बेसिस पे पूरा बिजनेस सेटअप होता है. मान लिया एक स्टेज ये स्टार्टअप कंपनी क्रॉस कर गई, अब ये थोड़ा बड़े लेवल पर जाना चाहते हैं, क्या उसके लिए फंड चाहिए, नीड द फंड्स, दिस कंपनी नीड्स द फंड्स. अब इसको फंड्स चाहिए, अगर ये फंड्स लाते हैं, जैसे मान लिया अगर ये कंपनी पब्लिक, जैसे अभी तक अनलिस्टेड कंपनी है, अगर ये आईपीओ लाती है, तो हो गया कि लॉट ऑफ पीपल विल परचेज द शेयर्स ऑफ दिस कंपनी, क्योंकि पब्लिक इश्यू लिस्टेड हो जाएंगे, और एज ए रियल जो प्रमोटर फाउंडर है उसका डाइल्यूशन इन वोटिंग राइट, क्योंकि ऑब्वियसली अभी तो बाय एंड लार्ज सारे शेयर आप ही के पास हैं, अनलिस्टेड कंपनी आप जानते हैं प्रमोटर फाउंडर का बाय एंड लार्ज. लेकिन अगर जब आईपीओ लाएंगे तो जो इतने सारे लोग आपके कंपनी में पैसा लगाएंगे तो प्रमोटर फाउंडर का क्या होगा, डेल विल डाइल्यूशन, क्योंकि वोटिंग राइट्स कम हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, कंपनी का टोटल कैपिटल बेस बड़ा हो गया, डाइल्यूशन इन कंट्रोल और वोटिंग राइट्स इसका प्रमोटर फाउंडर का. लेकिन आप खुद सोच के देखिए क्या ये प्रमोटर फाउंडर इस चीज में इंटरेस्टेड होगा, नो, क्योंकि देखा जाए क्योंकि उसी के नॉलेज उसी के एक्सपीरियंस के बेसिस पे पूरा बिजनेस सेटअप हुआ है, तो कभी भी प्रमोटर फाउंडर ये नहीं चाहेगा कि सब उसका कंट्रोल डायलूट हो जाए या उसके वोटिंग राइट, क्योंकि कंट्रोल वोटिंग राइट्स के थ्रू आते हैं, एक ही बात है, वो नहीं चाहेगा. तो उसका एक तरीका क्या हो सकता है कि साहब हाउ टू रिटेन, मतलब आप एक तरफ पब्लिक से पैसा भी रेज कर लें, आप पब्लिक इशू भी ले आए, और एक तरफ आप कंट्रोल भी प्रमोटर के हाथ में हो, एंड यू डोंट वांट टू लूज, मतलब यू वांट मोर देन 50% वोटिंग राइट कंट्रोल इन योर हैंड, समथिंग लाइक दैट. वो आप कैसे, इसका एक तरीका क्या हो सकता है, अपने कंपनी लॉ में कंसेप्ट पढ़ा है इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स, पढ़ा ना इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स. जहां पे आप सेम पेड अप अमाउंट पे राइट्स में वेरिएशन कर सकते हैं, किसी के वोटिंग राइट कम किसी के वोटिंग राइट ज्यादा. तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि साहब प्रमोटर जो फाउंडर है उसको हम बहुत सारे ऐसे इक्विटी शेयर इशू करते बिफोर द आईपीओ और जिसपे बहुत हाई वोटिंग राइट्स हैं इन कंपेरिजन टू द इक्विटी शेयर विथ इक्वल राइट्स, या ऑर्डनरी इक्विटी शेयर बोल सकते हैं, ऑर्डनरी मीन जहां पर कोई स्पेशल राइट वाली बात नहीं है, ऑर्डनरी इक्विटी शेयर बोल सकते हैं या इक्विटी शेयर विथ इक्वल राइट्स, उसके कंपैरिजन में प्रमोटर फाउंडर को हम ऐसे इक्विटी शेयर इशू करते हैं जिसपे वोटिंग राइट बहुत हाई है. तो उससे क्या होगा कि सब भले प्रमोटर और फाउंडर के पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टोटल इक्विटी कैपिटल में बहुत ज्यादा नहीं है, हो सकता है कंपनी के टोटल इक्विटी कैपिटल में इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर प्रमोटर फाउंडर का 30% शेयर या 20% शेयर 20% शेयर है,
लेकिन टर्म्स ऑफ वोटिंग राइट्स वोटिंग राइट 60% है, क्यों? हमने वहां पर वोटिंग राइट बहुत ज्यादा दे रखे हैं। ये एक पॉसिबिलिटी है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। फिर चैलेंज क्या है एकदम का, उससे क्या होगा कि आप आईपीओ भी ले आइए, बड़े स्केल पे भी आप फंड्स रेज कर लिए, लेकिन आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स कम है बट वोटिंग राइट या कंट्रोल प्रमोटर के पास फिर भी है। लेकिन इसमें एक इश्यू है, वो क्या, मैं पूरा एक पहले बैकग्राउंड समझा रहा हूँ कि साहब कहाँ पे दिक्कत आ रही थी इंडस्ट्री में एंड जिसकी वजह से अमेंडमेंट्स आई, जिसकी वजह से कंसेप्ट मैंने बताया एसआर इक्विटी शेयर कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया इन द कैपिटल मार्केट लॉ। अब देखिए क्या चीज है, ये जो इक्विटी शेयर डिफरेंशियल राइट्स का जो कंसेप्ट है कंपनी एक्ट में तो आप जानते हैं ये अलाउड है, इनफैक्ट न्यू कंपनी एक्ट छोड़िए कंपनी एक्ट 2013 उसमें तो है ही है, इवन ओल्ड कंपनी एक्ट में भी इट वॉज इंट्रोड्यूस आई थिंक इन द ईयर 2000, इन द ईयर 2000 ये कंसेप्ट आ गया था इक्विटी शेयर डिफरेंशियल राइट, इन द ईयर 2000 द कंपनी एक्ट 1956 वॉज अमेंडेड एंड उसके थ्रू इंट्रोड्यूस हो गया था। इसका तो एक कंसेप्ट कंपनी लॉ में तो है ही है, लेकिन एक बात बताऊं कैपिटल मार्केट लॉज में कंसेप्ट नहीं था, रादर अलाउड ही नहीं था। तो सोच के देखो जब कैपिटल मार्केट लॉज में अलाउड ही नहीं था कंपनी की इक्विटी, मतलब एक लिस्टेड कंपनी की इक्विटी शेयर डिफरेंशियल राइट ये कंसेप्ट ही नहीं था, अलाउड ही नहीं था, प्रोहिबिटेड था, एक लिस्टेड कंपनी कांट हैव द इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट। एंड यू नो दैट कैपिटल मार्केट लॉज कैन ऑलवेज मेक कंपनी एक स्ट्रिंजेंट, पर कंपनी एक अलाउ करता है आप अलाउ नहीं कर, आप स्ट्रिंजेंट ही तो कर रहे हैं, कैपिटल मार्केट लॉज कैन ऑलवेज मेक द कंपनी एक स्ट्रिंजेंट, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तक पोजीशन ये थी कंपनी एक्ट में अलाउड था, कैपिटल मार्केट लॉज में अलाउड नहीं था। इनफैक्ट कैपिटल मार्केट लॉज में ये भी लिखा हुआ था क्या कि मान लिया एक अनलिस्टेड, इसका मतलब आप पूरी सिचुएशन समझिए, मान लिया एक स्टार्टअप कंपनी है अनलिस्टेड है, जब तक आप आईपीओ प्लान नहीं करते तब तो ये सब कुछ आप कर सकते हैं कि साहब प्रमोटर अपने पास थोड़े से शेयर भी रख ले, लेकिन इक्विटी शेयर भी डिफरेंशियल राइट वोटिंग राइट बहुत हाई है, हाई सुपीरियर वोटिंग राइट, और बाकी आप और लोग से कुछ लोगों से प्राइवेट प्लेसमेंट करके शेयर इशू करके फंड रेज कर लें, आपके नंबर ऑफ शेयर कम है प्रमोटर फिर भी कंट्रोल आपके पास, कोई प्रॉब्लम नहीं कंपनी जैक, तो अभी तो आप अनलिस्टेड हैं, अभी तक कैपिटल मार्केट लॉज आपका अप्लाई नहीं हो रहा। लेकिन नाउ लेट्स से अगर ये तो अभी तक से अभी तो कोई, लेकिन जैसे मान लीजिए वो अनलिस्टेड कंपनी आईपीओ प्लान करें, तो आईपीओ प्लान करते क्या होगा, आईपीओ लाते आप क्या बन जाएंगे लिस्टेड, आप सब जानते हैं पब्लिक इशू इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग पहला पब्लिक इशू और इमीडिएटली लिस्टेड हो जाएंगे, और कैपिटल मार्केट लॉज ये अलाउ नहीं करते कि अनलिस्टेड कंपनी के इक्विटी से भी डिफरेंशियल है, तो वहां एक चैलेंज आ रहा है। इनफैक्ट एक बात और लिखी भी थी कैपिटल मार्केट लॉज में, अगर एक कंपनी अनलिस्टेड कंपनी आईपीओ ला रही है और उसके पहले से उसने अगर अपने प्रमोटर या फाउंडर को इक्विटी से डिफरेंशियल राइट इशू कर रखे थे पहले से जब आप अनलिस्टेड है, पॉसिबल है क्योंकि कंपनी तो अलाउ करता है, तो वो वाले इक्विटी शेयर डिफरेंशियल राइट जो पहले से आपने इशू कर रखे हैं वो भी कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट्स ऑटोमेटिकली जैसे आईपीओ लाएंगे, बिकॉज एज ए लिस्टेड कंपनी आपको इक्विटी शेयर डिफरेंशियल राइट इशू करना अलाउड नहीं है, और जो पहले से भी इशू कर रखे हैं आपने वो भी किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट्स, ये भी कैपिटल मार्केट लॉज में लिखा हुआ था कि साहब वो भी किसमें कन्वर्ट हो इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट्स में, मतलब आपके प्रमोटर फाउंडर कैन नॉट होल्ड द इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स। अब देखिए आप ये जो सारा मैंने पूरा बैकग्राउंड बताया, तो सोच के देखो ये सारी बात को ध्यान में रखते हुए अगर एक स्टार्टअप कंपनी जब तक अनलिस्टेड है ठीक है, लेकिन अगर जैसे वो आईपीओ प्लान करेगी ऑब्वियसली आप एक स्टेज के बाद आप चाहते हैं कि हम थोड़ा बड़े लेवल पर जाएं, हम पब्लिक इशू लाएं, हम बड़े एंड मोर पीपल गुड शुड नो अबाउट अस, हम ज्यादा लोग से फंड रेज करें, क्या वहां पे कंपनी के प्रमोटर फाउंडर को दिक्कत आ रही थी? जैसे आप ये आईपीओ लाएंगे तो आपके पहले से भी जो इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट इशू रखे वो भी किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट्स में, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? उसका इम्पैक्ट ये होगा कि साहब आप अब आपके कम नंबर ऑफ शेयर से आप कंट्रोल नहीं कर सकते, मान लिया प्रमोटर के पास कंपनी के टोटल नंबर इक्विटी आफ्टर द आईपीओ अगर सिर्फ 30% शेयर है 30% शेयर है इन टर्म्स ऑफ नंबर, तो आपका 30% ही वोटिंग राइट होगा, डोंट यू लॉस द कंट्रोल, यू लॉस द कंट्रोल ओवर द कंपनी। एंड ये एक चैलेंज आ रहा था कि साहब बहुत सारी स्टार्टअप कंपनी दे आर प्लानिंग फॉर द आईपीओ बट दे आर फेसिंग दिस ट्रबल कि साहब हम आईपीओ भी लाना चाहते हैं एंड प्रमोटर फाउंडर कंट्रोल नहीं लूज करना था, लॉजिकल भी वे सारा बिजनेस तो उसी का आइडिया है, उसी का ब्रेन है, उसी ने सोचा था कि साहब ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड कुछ नया काम किया है तो हम कैसे बोले नहीं साहब कंट्रोल छोड़ दो, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आ रही थी। उस प्रैक्टिकल डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने के लिए आपको कैपिटल मार्केट लॉज हैव बीन रिसेंटली अमेंडेड एंड जो अमेंडमेंट्स हमें डिस्कस करने जा रहा हूँ एंड अमेंडमेंट करके ये एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया एसआर इक्विटी शेयर, वही बेसिकली है स्पेशल राइट इक्विटी शेयर या इक्विटी शेयर बेस्ड सुपीरियर वोटिंग राइट। तो कह सकता हूँ कि कंपनी एक्ट में जो इक्विटी शेयर बेस्ड डिफरेंशियल राइट्स हम बोलते हैं क्या उसी चीज का सिमिलर कंसेप्ट कैपिटल मार्केट लॉज में क्या नाम दे दिया
SR equity share or special rights equity share, or equity share with superior voting rights. And short means बोलते हैं SR equity share, that is special rights equity share या equity share with superior voting rights. तो कह सकते हैं इसका जो equity share with differential right concept जो companies act में तो था, but उसका parallel concept capital market laws में नहीं था. तो वो parallel concept capital market laws में क्या आ गया है? SR equity share. अब एक listed company के SR equity share हो सकते हैं, equity share with superior voting rights हो सकते हैं. प्रमोटर फाउंडर को आप इश्यू पहले से कर सकते हैं. अगर आप आईपीओ लाएंगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली इक्विटी शेयर विद इक्विवेलेंट में कन्वर्ट नहीं होंगे. ये अमेंडमेंट है, मतलब पहले आपको ऑटोमेटिकली इक्विटी शेयर मतलब अलाउड ही नहीं था, और पहले से इश्यूड वो भी किस में कन्वर्ट करते थे? इक्विटी शेयर विद इक्विवेलेंट में. बट अब ऐसा नहीं है, आप पहले से प्रमोटर फाउंडर को अगर आपने इश्यू कर रखे हैं, द प्रमोटर फाउंडर में कंटिन्यू टू होल्ड दोस शेयर्स, दे आर रिटेनिंग द कंट्रोल ओवर द कंपनी. आपके नंबर ऑफ शेयर्स कम है, फिर भी कंट्रोल आपके, क्यों? आपके सुपीरियर वोटिंग राइट्स वाले इक्विटी शेयर्स हैं, एंड वो चलते रहेंगे, बट सब्जेक्ट टू सर्टेन नॉर्म्स, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, उस हम पढ़ेंगे. बट आपको एक मैंने पूरा स्ट्रक्चर बताया कि सर ये एसआर इक्विटी शेयर क्या है, किस कारण से इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया इन द कैपिटल मार्केट लॉज, एंड उसके अकॉर्डिंग चेंजेज आए. कैपिटल मार्केट लॉज की हम बात करते हैं, मेजरली दो जगह इसका इफेक्ट आया, मेजरली दो जगह इसका इफेक्ट आया, छोटे मोटे इफेक्ट और भी जगह आ सकते हैं, बट मेजरली दो जगह इसका इफेक्ट आया. एंड इस तरीके से आई होप आपको एक पूरा बैकग्राउंड मैंने समझा दिया एसआर इक्विटी शेयर्स क्या है, एंड ये क्यों इस कंसेप्ट को कैपिटल मार्केट लॉज में इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि सिमिलर कंसेप्ट कंपनी लॉ में ऑलरेडी इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट, लेकिन एक्चुअली उसका पैरेलल एक्चुअली आपको कैपिटल मार्केट लॉ में नहीं था. अभी तक वो दिक्कत नहीं भी आ रही थी नहीं होने पर, लेकिन आपको स्टार्टअप कंपनी में दिक्कत आने लगी थी, क्योंकि वो प्लानिंग फॉर द आईपीओ वहां दिक्कत. इस कारण से इंडस्ट्री की नीड को समझते हुए एंड अकॉर्डिंगली द लॉज हैव बीन अमेंडेड, एंड इसके अकॉर्डिंगली कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया. अच्छा, हम बोले जब कैपिटल मार्केट लॉज हैव बीन अमेंडेड डे बाय रिकॉग्नाइजिंग दिस कंसेप्ट विच इज सिमिलर टू इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट बट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, जैसे वहां भी तो पढ़ते हो कंपनी लॉ में इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट कंपनी इशू करती है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन एंड ऑल द, ठीक है. तो यहाँ पे कैपिटल मार्केट लॉज में कहां कहां चेंजेज आए, देखिए मेजरली जो कैपिटल मार्केट लॉज में चेंजेज आए मेजरली दो जगह, एक सेबी इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशंस 2018, एक तो यहां चेंजेज आए इस पर्टिकुलर लॉ में, जिसको शॉर्ट में मतलब आईसीडीआर रेगुलेशन. पहले तो आप जानते हैं सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2009 थे, अब उसकी जगह 2018 आ गए, उसके इस 2018 रेगुलेशन के अंदर अमेंडमेंट है रिगार्डिंग द स्पेशलाइज्ड इक्विटी शेयर्स. नंबर टू, सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन 2015, शॉर्ट में बोलते सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015. सेबी एक तो सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 एंड एक सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015. इन दोनों लॉज में इस कंसेप्ट की वजह से एसआर इक्विटी शेयर की वजह से अमेंडमेंट आए हैं, एंड अब ये कंपनीज के हो सकते हैं लिस्टेड कंपनी के, बट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन. उस कॉन्टेक्स में इन दोनों लॉज में क्या चेंजेज हैं, That I am going to discuss. I hope आपको पूरा स्ट्रक्चर, एक क्या होता है पहले एक पूरा बेस बताने से तो क्या था, अब हम कंटेंट पढ़ेंगे ये कहाँ कहाँ क्या है, लेकिन कंटेंट पढ़ लिया सीधा पता नहीं चला है क्या एसआर इक्विटी शेयर, क्यों ये अमेंडमेंट लाई गई, कहाँ डिफिकल्टी आ रही थी, कहाँ इंडस्ट्री में. देखिए अगर हमारे एग्जिस्टिंग लॉज में कोई परेशानी नहीं है, एग्जिस्टिंग लॉ परफेक्टली इंडस्ट्री की सोसाइटी की नीड को पूरा कर रहे हैं, तो वाई दिस नीड ऑफ अमेंडमेंट. तो कहीं ना कहीं एग्जिस्टिंग लॉज में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, कहीं ना कहीं सोसाइटी में इंडस्ट्री में दिक्कत आ रही, दैट इज द रीजन वाई इट शुड बी अमेंडेड एंड अकॉर्डिंगली अमेंडमेंट्स हुई हैं. तो मैंने इसलिए पहले बैकग्राउंड बताया कि सब स्टार्टअप कंपनी को दिक्कत आ रही, जो आईपीओ प्लान कर रहे थे वहां प्रमोटर कंट्रोल लूज कर रहा था एंड ऑल दैट, उस कारण से कंसेप्ट और उसका इफेक्ट दो लॉज में आया, एक सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 एंड दूसरा सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015. आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन. अब मैं अमेंडमेंट, अच्छा इसलिए चीज ध्यान हो, जब ये एसआर इक्विटी शेयर कंसेप्ट यहां इंट्रोड्यूस हुआ तो कुछ अमेंडमेंट्स, कुछ चेंजेस, इसका इफेक्ट
कंपनीज एक्ट के अंदर भी इक्विटी शेयर में डिफरेंशियल राइट जो टॉपिक आप पढ़ते हैं वहां भी कुछ कुछ चेंजेस आए हैं, क्योंकि यहाँ जो चीज हमने अलाउ किया यहाँ पे सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, यहाँ की कंडीशन और कंपनी की कंडीशन को अलाइन करना था, मैच कराना था, और वहां जो पहले से कंडीशन देखे थे कंपनी एक्ट के अंदर वो कुछ चीजें इससे मैच नहीं, अकॉर्डिंगली क्या हुआ यहाँ चेंजेस आए तो उसका इफेक्ट कुछ कंपनी एक्ट में भी है। अगर आपको ध्यान हो अभी रिसेंटली कंपनी लॉ के अंदर आपको जो इक्विटी शेयर डिफरेंशियल एक्ट की जो कंडीशन है उसमें एक कंडीशन है कि कंपनी का कम से कम पिछले 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स होना चाहिए, वो कंडीशन हटा दी क्योंकि वो कंडीशन यहाँ नहीं है। नंबर टू आपको वहां से ये हटा दी क्योंकि अगर वहां कंडीशन होती और यहाँ नहीं है तो डोंट यू थिंक दोनों चीजें क्या होती और स्टार्टअप कंपनी में पॉसिबल नहीं कि जरूरी स्टार्टअप कंपनी कई बार लॉस में होती है, ठीक है वो कंडीशन पॉसिबल नहीं है, तो दोनों और वहां होती है कंडीशन यहाँ नहीं होती तो इसमें कैपिटल मार्केट लॉ उसको डायलूट कर रहा है वो पॉसिबल नहीं है। दूसरा ये क्या था वहाँ 26% की एक लिमिट थी इक्विटी शेयर डिफरेंशियल राइट पोस्ट इश्यू इक्विटी कैपिटल का 26% ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन अब वो लिमिट दूसरे तरीके से कैलकुलेट होती है दूसरे तरीके से और उस कैलकुलेशन में 26% से 74% आ गया, यहाँ भी वही 74% यहाँ 74% किया गया कैपिटल मार्केट लॉ में तो उसका इफेक्ट कंपनी लॉ में भी है वहाँ, मतलब दोनों चीजों को अलाइन करें क्योंकि पहले तो कैपिटल मार्केट लॉ में ये चीज़ अलाउड ही नहीं थी तो अलाइन क्या करना, लेकिन अब अलाउ कर दी तो दोनों चीज दोनों लॉ के आपस में अलाइंड होने चाहिए, तो उसका करस्पॉन्डिंग इफेक्ट कंपनीज एक्ट में भी आया है इन द टॉपिक इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स। नाउ इज दैट ओके विद एवरीवन, नाउ वन बाय वन अब मैं अमेंडमेंट्स बताने जा रहा हूँ, ये तो मैंने पूरा एक बैकग्राउंड तैयार कर दिया कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। देखिए अच्छा एक और चीज मैं यहाँ पे टॉपिक का नाम बताऊंगा चैप्टर नंबर भी बता दूंगा कि चैप्टर नंबर क्या है, लेकिन मैं पेज नंबर नहीं बताऊंगा क्यों, लेकिन क्योंकि सीएमएसएल जो ओल्ड सिलेबस का उसके अंदर पेज नंबर अलग होंगे, कंटेंट सेम है, एसएलसीएम में अलग पेज नंबर होंगे, कॉर्पोरेट बॉन्डिंग के लिए कंटेंट सेम है, तो आपको जो नोट्स में दूंगा इनके जैसे हर एक के अलग अलग नोट्स होंगे, सीएमएसएल की जो क्लास के नोट्स होंगे, एसएमसीएल एसएलसीएम के सबके जो अमेंडमेंट के नोट्स होंगे उनमें मैंने पेज नंबर अलग अलग डाल रखे हैं, तो वो आप उससे मिला के पढ़ेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा क्या, लेकिन मैं क्लास के अंदर पेज नंबर नहीं बोलूंगा कि उससे कन्फ्यूज है किसका पेज नंबर, मैं एसएलसीएम का बोल रहा हूँ या सीएमएसएल का बोल रहा हूँ या कॉर्पोरेट फंडिंग का, हाँ चैप्टर नंबर बता दूंगा, चैप्टर का नाम बता दूंगा और जो नोट्स आपको ये तो लेक्चर है, लेक्चर के साथ जो नोट्स मिलेंगे अमेंडमेंट के उसमें तीनों के अलग अलग नोट्स होंगे, एसएलसीएम के नोट्स अलग, कंटेंट सेम होगा लेकिन सब में अकॉर्डिंगली पेज नंबर कस्टमाइज नोट्स होंगे अकॉर्डिंग टू दैट पेपर नीड्स ऑफ दैट पेपर, तो उससे आपको एकदम क्लैरिटी हो जाएगी, तो आपको अमेंडमेंट के नोट्स और साथ में लेक्चर मिला के पढ़ेंगे एकदम पूरी, इसलिए पेज नंबर बोलना कन्फ्यूजन क्रिएट करे, दैट्स व्हाई मैं पेज नंबर नहीं बोलूंगा, चैप्टर का नाम बोलूंगा और चैप्टर का नंबर बता दूंगा क्या है। देखिए सबसे पहले मैं आपको जो अमेंडमेंट्स लेने जा रहा हूं अमेंडमेंट्स इन सेबी ICDR रेगुलेशन 2018 इस लॉ में अमेंडमेंट, ये मैं बता दूं ये चैप्टर नंबर क्या क्या है ये बता देता हूं आपको, दिस इज द इन SLCM सिक्योरिटी लॉज कैपिटल मार्केट न्यू सिलेबस, इसमें दिस इज चैप्टर नंबर 4 नंबर 2 CMSL जो है आपका ओल्ड सिलेबस का कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी लॉ यहां पे चैप्टर नंबर 13 है, मैं सब कुछ लिख रहा हूं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, नोट्स मिलेंगे उसमें पेज नंबर वगैरह सब मिलेंगे, इसके नोट्स अलग होंगे इसके नोट्स अलग, कंटेंट सेम होंगे तो पेज नंबर वगैरह अलग अलग आपको, एंड तीसरा कॉर्पोरेट फंडिंग इसका आपका चैप्टर नंबर कॉर्पोरेट फंडिंग के अंदर दिस इज चैप्टर नंबर 1, टॉपिक सेम है सेबी ICDR रेगुलेशन 2018 उसके अमेंडमेंट में कराने जा रहा हूं, सेम टॉपिक SLCM में चैप्टर 4 है, CMSL में चैप्टर 13 है और कॉर्पोरेट फंडिंग प्रोफेशनल प्रोग्राम का जो पेपर है न्यू सिलेबस का इसमें चैप्टर नंबर 1 है, तो मैंने चैप्टर लिख दिया है आपको पता लग जाए कौन से चैप्टर अमेंडमेंट क्या अमेंडमेंट है मैं सब बताने जा रहा हूं और नोट्स सबके अलग अलग मैंने कस्टमाइज कर दिए जिससे कि आपको नोट्स के साथ मिला के पढ़ेंगे अमेंडमेंट के नोट्स तो आपको पूरी क्लैरिटी होगी इधर। ओके नाउ तो अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं सेबी ICDR रेगुलेशन इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2018 इस लॉ के अंदर क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं, एंड अभी देखो मैक्सिमम जो अमेंडमेंट्स हैं बाय एंड लार्ज 90% अमेंडमेंट ऑल कनेक्टेड विद द कंसेप्ट ऑफ SR इक्विटी शेयर दैट इज स्पेशल राइट्स इक्विटी शेयर जो मैंने डिटेल में कंसर्न दिया
या इक्विटी शेयर विद सुपीरियर वोटिंग राइट्स। आई होप दिस क्लियर एवरीवन। देखिए तो सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन के अंदर अमेंडमेंट देखिए, सबसे पहला अमेंडमेंट देखिए, आप जब सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन पढ़ते हैं तो पहले फर्स्ट पेज पे आपको एक छोटा सा छोटी सी एक बात पहले नोट कर लें, पहले पेज फर्स्ट पेज पे एक आता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट पेज पे स्टार्टिंग में ही एप्लीकेबिलिटी ऑफ द सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 एकदम स्टार्टिंग में आता एंड फर्स्ट पेज पे एप्लीकेबिलिटी ऑफ द सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन, उसमें पॉइंट्स बने में किस किस चीज पे लॉ लगता है, उसमें जो लास्ट पॉइंट है जे, वो जो जे पॉइंट है उसमें पहले था एक कंसेप्ट था उसमें लिखा हुआ है अ लिस्टिंग ऑन द पहले होता था अनलिस्टिंग, पहले क्या होता था इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ये होता था पहले, बट ये कंसेप्ट अब खत्म हो गया, उसकी जगह क्या गया उसमें लिखा ना कि साहब लिस्टिंग ऑन द इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म थ्रू एन इशू और विदाउट इशू, मतलब इशू के थ्रू और विदाउट पब्लिक इशू के, अगर आप सिक्योरिटी इशू करते हैं उसकी जो लिस्टिंग कराएंगे इस प्लेटफॉर्म पे उस पर भी लॉ अप्लाई होगा, बट इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ये कंसेप्ट एबॉलिश कर दिया, इसकी जगह एक नया कंसेप्ट आ गया है इनोवेटर्स, ये सब एक्चुअली स्टार्टअप वगैरह के चक्कर में ज्यादा है, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। इसलिए हो सकता है कि जो मेरे पहले के लेक्चर आपके पास हों उसमें ये टर्म मैं यूज कर रहा हूँ, बट उसकी जगह नोट्स में आपको देखोगे बुक्स के अंदर ये आ गया इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, मतलब सिमिलर कंसेप्ट है बट इसका इम्प्रोवाइज वर्जन है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की जगह क्या गया है इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। तो देखो आपके बुक्स के या अमेंडमेंट के अंदर या आपकी जो अमेंडेड बुक्स है उसमें आपको इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म मिलेगा। एनीवे एक छोटी सी बात है, अब मेनली हम उस पर आते हैं। देखिए जो आईसीडीआर रेगुलेशंस के अंदर पहले हम बात करेंगे जो चेंजेस हैं आईपीओ में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, उसे सबसे पहले आपका चेंज इन रेगुलेशन नंबर 6। इफ यू रिमेंबर जब आईपीओ स्टार्ट होता है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर आईपीओ को प्रोविजन, तो मैंने टॉपिक मैंने पहले आईपीओ को प्रोविजन, फिर एफपीओ को प्रोविजन, फिर कॉमन प्रोविजन, फिर राइट्स इशू, ऐसे करके अरेंज किया हुआ। तो उसे शुरू शुरू में आप देखोगे आईपीओ में दे रखा है एक आपका, मैं टॉपिक का नाम लिखता हूं एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट और एंट्री नॉर्म्स, टॉपिक का नाम लिख रहा हूं कहां चेंज है फॉर एन आईपीओ, याद आ रहा है रेगुलेशन नंबर 6 आपकी बुक में देखना ये मिलेगा एलटी रिक्वायरमेंट और एंट्री नॉर्म्स फॉर एन आईपीओ रेगुलेशन नंबर 6। और इसके लास्ट में ये टॉपिक जहां पे आपका खत्म हो रहा है, मतलब ये टॉपिक जो दे रखा है आपके बुक में वो एज इट इज सेम रहेगा और साथ में उसके लास्ट में कुछ हेड, अब देखो जहां पे दे रखा है रेगुलेशन 6 उसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दे रखे हैं, तो इंपॉर्टेंट टर्म्स से पहले और जहां मेन टॉपिक खत्म हो रहा है ना ए बी सी डी चार कंडीशन है, फिर इसलिए इट में भी नोटेड डेट वो एजिटी रहेगा, उसके बाद एक चीज और एड हो जाएगी इंपॉर्टेंट टर्म्स से पहले वो देख क्या एंड दैट इज रिलेटिंग टू द एंड लास्ट में मतलब एड हो जाएगा एडिशन इन द लास्ट, ठीक है इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट टर्म से पहले लास्ट में ये ऐड हो जाएगा एंड ये जो ऐड किया गया कंप्लीटली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्या है एसआर इक्विटी शेयर, किस कॉन्टेक्स्ट में इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एसआर स्पेशल राइट इक्विटी शेयर, उस कॉन्टेक्स्ट में वो क्या है मैं पहले बता दूं, ये बोल रहा है कि अगर एक कंपनी, क्योंकि हम क्या अगर आप आईपीओ ला उसके लिए एलजीटी रिक्वायरमेंट क्या है एंट्री नॉर्म्स क्या है, अगर एक कंपनी आईपीओ ला रही है और आईपीओ से पहले अगर आपने अपने फाउंडर या प्रमोटर को एसआर इक्विटी शेयर इशू कर रखे हैं
तब आप आईपीओ ला सकते हैं। आईपीओ जो लाएंगे वो नॉर्मल इक्विटी शेयर का लाएंगे, इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट्स का। लेकिन आपने अगर पहले से अपने प्रमोटर फाउंडर को अगर एसआर इक्विटी शेयर इशू कर रखे हैं तो आप नॉर्मल इक्विटी शेयर का आईपीओ ला सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, वही आपको मैं बताने क्या कंडीशन है। अच्छा, एक बात और समझने की कोशिश करना, आपके बुक में जो पहले से एलिडिटी रिक्वायरमेंट या एंट्री नॉर्म्स में कंडीशन दे रखी है, इसका तो वो कंडीशन तो है ही है, वो तो कॉमन है। अब एडिशनल कंडीशन और लग जाएगी कब, अगर ऐसी कंपनी आईपीओ लाना चाहती है जिसने पहले अपने प्रमोटर या फाउंडर को एसआर इक्विटी शेयर इशू कराई, जो पूरा मैंने कंसेप्ट समझाया वही स्टार्टअप कंपनी उस तरह कोई कंसेप्ट है। इसे अगर आपने पहले से अपने प्रमोटर या फाउंडर को एसआर इक्विटी शेयर नहीं इशू करके, तब देखा जाए जो ये अमेंडमेंट जो आया उसका कोई यूज उस केस में नहीं होगा। लेकिन अगर आपने कर रखे हैं तब भी आप ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर दैट इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट्स का आईपीओ ला सकते हैं, बट ऊपर की जो कंडीशन है ये तो चलेंगी चलेंगी जो बुक में ऑलरेडी आपके लिखी है, प्लस एडिशनल कंडीशंस ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। एंड सब्जेक्ट टू दोज एडिशनल कंडीशन आप चाहे तो आईपीओ ला सकते हैं, अगर आपने पहले से एसआर इक्विटी शेयर अपने प्रमोटर या फाउंडर को इश्यू कर सकते हैं। कह सकते हैं कि अगर ये वाला केस है द कंपनी विच प्रपोजेस टू कम अप विद आईपीओ, उन्होंने अगर पहले से अपने प्रमोटर फाउंडर को एसआर इक्विटी शेयर इशू कर रखे हैं तो उस केस में उनको एडिशनल कंडीशन और फुलफिल करनी पड़ेगी। एडिशनल बॉडी से लगा रहा हूं, ऊपर एंट्री नॉर्म्स दे रखे हैं ये तो पहले, इसको तो छेड़ा नहीं है हमने, कुछ ऐड करें, मैंने कहा एडिशन इन द लास्ट। एंड ये किस कॉन्टेक्स्ट में एडिशन है, अगर ऐसी कंपनी आईपीओ ला रही है जिसने पास्ट में अपने प्रमोटर फाउंडर को कैसे इक्विटी शेयर इशू कर रखे हैं, एसआर इक्विटी शेयर वही इक्विटी शेयर भी डिफरेंशियल राइट, तो वो कर सकती है आईपीओ ला सकती है। आईपीओ जो ला रहे हैं किसके ला रहे हैं, इक्विटी शेयर विद इक्वलाइज का, बट सब्जेक्ट टू सर्टेन एडिशनल कंडीशन इन एडिशन टू अ कंडीशन विच इज ऑलरेडी मेंशन इन योर बुक इन रेगुलेशन नंबर एज पर रेगुलेशन नंबर 6। आई होप समझ आ गया क्या, देखिए मैं पढ़ रहा हूँ देखिए क्या चीज़ें। इट में फर्दर भी नोटेड, अब उसे कंटिन्यूड चल गया ना कि पहले तो वो चार कंडीशन है फिर लिखा हुआ इट में भी नोटेड दैट, जो आपके बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है उसका एक पैराग्राफ और ऐड हो गया। इट में फर्दर भी नोटेड क्या, देखिए दैट इफ एन इश्यूअर हैज इश्यूड, मतलब ऑलरेडी पास में इश्यू कर रखा है एसआर दैट इज स्पेशल राइट्स इक्विटी शेयर टू हुम, टू इस प्रमोटर को, आगे ना मतलब केस वही कि अगर आपने ऐसा इश्यू कर रखा है तब ये वाली बात अप्लीकेबल होगी, ऐसा नहीं तो आप अप्लीकेबल ही नहीं होगी। द सेड इश्यूअर शेल बी अलाउड टू डू एन आईपीओ, उस इश्यूअर को कंपनी को अलाउड होगा टू डू एन आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर ऑफ ओनली ऑर्डनरी शेयर, इसका मतलब ऑर्डनरी शेयर का मतलब वही इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट, मतलब आईपीओ आप इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट या आईपीओ आप एसआर इक्विटी शेयर का नहीं ला रहे, आप एसआर इक्विटी शेयर आपने अगर पहले से इशू कर रखे हैं देन यू वॉन्ट टू कम आउट विद आईपीओ ऑफ इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट कर सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। देखिए क्या लिखा, then the said issuer shall be allowed to an IPO of only ordinary share that equity is with equal right for listing on the main board, aap jante stock exchange main board, subject to compliance with the provisions of chapter 2 of this regulation, aap jante hain is particular IPO se related jo bhi provision hai they are given the chapter number 2 of SEBI ICDR regulation 2013, agar aap apne book mein bhi dekhoge jahan IPO starting mein first page pe IPO niche niche start ho raha hai lekin uske heading mein likha hoga chapter 2, chapter 2 kiska ऑफ सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2013, मतलब जो चैप्टर 2 के नॉर्म्स वॉर्म्स है वो तो सब फॉलो करने ही आपको आईपीओ के, ये एडिशनल एंड दिस क्लॉज है, क्या मतलब हुआ मैं फिर से पढ़ता हूँ। इट में फर्दर बी नोटेड इफ एन इश्यूअर है इश्यूड एसआर दैट इज स्पेशल राइट्स इक्विटी शेयर टू इट्स प्रमोटर फाउंडर, ऑलरेडी इशू कर रखे हैं, द सेड इश्यूअर शैल बी अलाउड टू डू एन आईपीओ ऑफ ओनली ऑर्डिनरी शेयर दैट इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट फॉर लिस्टिंग ऑन द मेन बोर्ड सब्जेक्ट टू द कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 2 ऑफ द रेगुलेशन, मतलब आईपीओ पे जो चैप्टर 2 के प्रोविजन लगते हैं वो सब लगेंगे, एंड दिस क्लॉजेस, एंड दिस क्लॉजेस का मतलब जो लिस्ट में बताने जा रहा हूँ क्या एक्स्ट्रा कंडीशन है क्या एडिशनल कंडीशन है जो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी इन एडिशन टू द नॉर्मल प्रोविजन जो भी लगते हैं चैप्टर 2 के, तो लगेंगे आईपीओ वाले साथ में ये भी लगेंगे अगर आपने पास में एसआर इक्विटी शेयर स्पेशल एट इक्विटी शेयर अपने प्रमोटर फाउंडर को इशू कर रखे हैं एंड नाउ यू आर कमिंग आउट विद एन आईपीओ ऑफ इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट्स। देखिए क्या कंडीशंस हैं, पहली कंडीशन द इश्यूअर शैल बी इंटेंसिव इन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डाटा एनालिटिक्स बायोटेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड प्रोडक्ट सर्विसेज और बिजनेस प्लेटफॉर्म विद सब्सटेंशियल वैल्यू एडिशन, मतलब बेसिकली टॉकिंग अबाउट वो जो इश्यूअर है जो कंपनी है वो आपको कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस में है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूरा जो एसआर इक्विटी शेयर कंसेप्ट समझाया था किससे टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस जो स्टार्टअप्स हैं
उनके कॉन्टेक्स्ट में बताया था ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया. इस लोगों पहली कंडीशन ये वो कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस क्या है इनसे, इट इज इन द बिजनेस ऑफ टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, इससे रिलेटेड होना चाहिए. मतलब इनमें से किसी न किसी चीज से रिलेटेड आपका बिजनेस होना चाहिए, देन ओनली यू आर अलाउड टू यूज दिस प्रोविजन. अब मैंने पहले आपको बता दिया था एक बात. सेकेंड कंडीशन, द एसआर शोल्डर. अच्छा, जो पहले से आपने फाउंडर प्रोमोटर को जो आपने शेयर इशू कर रखे हैं वो एसआर शोल्डर, जो एसआर इक्विटी शेयर इशू कर रखे हैं, द एसआर शोल्डर शेल नॉट बी पार्ट ऑफ द प्रोमोटर ग्रुप हुज कलेक्टिव नेटवर्थ इज मोर देन ₹500 करोड़. ये क्या मतलब है? मान ली ये कंपनी एक्स लिमिटेड, ये मान ली आईपीओ प्लान करी और इसने पहले अपने प्रोमोटर फाउंडर को एसआर इक्विटी शेयर इशू कर रखे हैं. अगर इस कंपनी का इश्यूअर का जो प्रमोटर ग्रुप है, आप जानते हैं जब पब्लिक इशू आते हैं तो देखा जाए कंपनी के प्रमोटर ग्रुप में कौन कौन आता है, उसकी कलेक्टिव नेटवर्थ किसकी, प्रमोटर ग्रुप की, इज मोर देन 500 करोड़. 500 करोड़ से ज्यादा इसकी कलेक्टिव नेटवर्थ है. उस केस में इस पर्टिकुलर कंपनी के जो प्रमोटर फाउंडर हैं जिनको एसआर स्पेशल आइट इक्विटी से चुका है, उसे आपको इस प्रमोटर ग्रुप में काउंट नहीं किया जाएगा. एसआर शोल्डर शेल नॉट बी पार्ट ऑफ द प्रमोटर ग्रुप उस कलेक्टिव नेटवर्क मोर देन, मतलब अगर कलेक्टिव नेटवर्क इतनी हाई है फिर उसे प्रमोटर ग्रुप का पार्ट आपको, मतलब बेसिकली उसे कंसिडर कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं करें. दैट इज सेकंड कंडीशन. थर्ड कंडीशन देखिए, और इसे लिखा हुआ वाइल्ड डिटरमाइनिंग द कलेक्टिव नेटवर्क. जो कलेक्टिव नेटवर्क निकालेंगे, द इन्वेस्टमेंट ऑफ एसआर शोल्डर इन द शेयर्स इशू शैल नॉट बी. अच्छा देखिए, जो एसआर शोल्डर है, जो प्रमोटर फाउंडर, इसने जिस कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किया हुआ है, क्या वो भी उसकी नेटवर्क का पार्ट है? लेकिन उसे इस कलेक्टिव नेटवर्क में काउंट नहीं करेंगे, तो मैंने पहले से कंसिडर ही नहीं करना. थर्ड, द एसआर शेयर्स वर इशूड ओनली टू दोज प्रमोटर्स फाउंडर हु हेल्ड एन एग्जीक्यूटिव पोजीशन द इशू कंपनी. अभी मैंने कहा बंदा कंपनी को अपनी मेहनत से, बोलते ना अपनी मेहनत से आपने कंपनी को पूरा बिल्डअप किया है एग्जीक्यूटिव पोजीशन में, तभी तो. अगर आप नॉन एग्जीक्यूटिव पोजीशन में बाकी सारा प्रोफेशन देख रहे हैं, तब आपको क्यों कंट्रोल चाहिए? क्यों आपको एसआर इक्विटी शेयर इशू हो और फिर आपको ये, तो बोले ये सब फैसिलिटी तब अलाउड है कि अगर वो एसआर इक्विटी शोल्डर जो है उस वो कंपनी के अंदर प्रमोटर के साथ साथ ही मस्ट बी होल्डिंग सम एग्जीक्यूटिव पोजीशन. जैसे कंपनी के आप प्रमोटर फाउंडर है, साथ में कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर है, पढ़ते ना कंपनी में फुल टाइम डायरेक्टर है, मे बी मैनेजिंग डायरेक्टर है, मे बी द होल टाइम डायरेक्टर है सम. लेकिन अगर आप खाली पार्ट टाइम डायरेक्टर हैं नॉन एग्जीक्यूटिव पोजीशन में, तब ये प्रोविजन अप्लाई. मतलब वैसी कंपनी ने अगर एसआर इक्विटी शेयर इशू कर रखे हैं या इक्विटी शेयर डिफरेंस है, वो आईपीओ लाई नहीं सकती. लाएगी तो वो इक्विटी शेयर इक्वल लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा. लेकिन आप चाहते हैं ना कन्वर्ट हो, तो क्या कंडीशन है कि वो जिसको भी आपने एसआर इक्विटी शेयर इशू कर रखे हैं स्पेशल लाइट, वो आपको एक कंपनी में कोई ना कोई एग्जीक्यूटिव पोजीशन होना चाहिए. फोर्थ कंडीशन, ये सारी कंडीशन है सब्जेक्ट टू दैट आप आईपीओ प्लान कर सकते हैं अगर आपने पहले से एसआर इक्विटी शेयर इशू कर रखे हैं. फोर्थ कंडीशन, अच्छा एसआर इक्विटी शेयर हमने ऑलरेडी इशू कर रखे हैं, मतलब अब नहीं इशू कर रहे हैं, मतलब हमने ऑलरेडी इशू कर रखे हैं, अब हम आईपीओ ला रहे हैं. आईपीओ तो हम ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर इक्वलाइट ला रहे हैं. तो पास्ट में आपने जब पास्ट में इक्विटी एसआर इक्विटी शेयर इशू किए होंगे, जिसको हम कंपनी लोग के साथ इक्विटी शेयर डिफरेंशियल राइट बोल सकते हैं, ये जो इशू किए होंगे तो उसमें कैसे इशू किए थे उसके बारे में कुछ कंडीशन देखिए. मतलब पास्ट में आपने कैसे किया था वो आप देखिए. द इश्यू ऑफ एसआर, कह सकते हैं आईपीओ से आप दो महीने चार महीने, आईपीओ को ऐसा नहीं आज सोचा कर लिया है, इसकी हमेशा लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है. तो जैसे मान लिया आप आईपीओ आज मान लिया आप आई मान लिया आईपीओ आप अगले एक साल, अगले छह महीने, अगले एक दो साल में आप आईपीओ प्लान कर रहे हैं, तो आप अभी हो सकता है इस तरह से आप इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं डिफरेंशियल राइट या एसआर. बट उस समय आपको कुछ कंडीशन का ध्यान रखना है कि हम इन कंडीशन को फॉलो करते हुए इशू करें, सो दैट बाद में हमें इक्विटी शेयर का आईपीओ लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी. देखिए, द इश्यू ऑफ एसआर इक्विटी शेयर हैड बीन ऑथराइज्ड, वो हैड बीन मतलब ऑलरेडी इशू हो चुका है, हैड बीन ऑथराइज्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन पास एट अ जनरल मीटिंग ऑफ द शोल्डर. मतलब आपका जो वो उसके लिए शोल्डर का हमने कौन सा रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन. अगर ध्यान से आप, अगर आपको ध्यान हो, कंपनी एक्ट के अंदर लिखा हुआ है इक्विटी शेयर डिफरेंशियल राइट इशू करने से ओआर चाहिए, लेकिन ये क्या बोल रहा है एसआर चाहिए. मतलब आपने इस वाले केस के लिए अगर आप आईपीओ आगे प्लान करते हैं तो आपने जो इशू किए थे इट मस्ट बी ऑथराइज. अच्छा कहते थे कैपिटल मार्केट लॉज कैन मेक ऑलवेज कंपनी स्ट्रिंजेंट, वहां ओआर से भी काम चल सकता है, लेकिन
जब तक आईपीओ नहीं ला रहे खाली ओआरवी कर लीजिए। ये तो तब है ना कि अगर आप आईपीओ के लिए आपने प्लानिंग की तो उसके लिए आप उसके कॉन्टेक्स्ट में आप पहले से ये सारी इक्विटी से इशू कर रहे हैं, देन इट मस्ट बी ऑथराइज बाय द अप्रूवल ऑफ द शोल्डर बाय पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन। एंड फेबल ऑफ वेयर द नोटिस कॉलिंग फॉर सच जनरल मीटिंग, मतलब जिस जनरल मीटिंग में एसआर पास करना था उस जनरल मीटिंग का जो नोटिस था उस नोटिस के अंदर ये सारी बातें होनी चाहिए। नोटिस तो नोटिस का एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी होगा, उस एक्सप्लेनेटरी स्पेशल बिजनेस है एंड उसके अंदर सारी चीजें चाहिए मुझे क्या क्या, मैं पूरा पढ़ता हूँ। द इश्यू ऑफ एसआर इक्विटी शेयर हैड बीन ऑथराइज्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन पास एट ए जनरल मीटिंग ऑफ द शेयरहोल्डर्स ऑफ द इश्यूअर वेयर द नोटिस कॉलिंग फॉर सच जनरल मीटिंग स्पेशल प्रोवाइडेड फॉर व्हाट, ए द साइज ऑफ इश्यू ऑफ एसआर इक्विटी शेयर, मतलब कितने एसआर इक्विटी शेयर आप इश्यू करेंगे, साइज, रेशियो ऑफ वोटिंग राइट्स ऑफ एसआर इक्विटी शेयर विस विस द ऑर्डिनरी, मतलब ऑर्डिनरी शेयर होंगे इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट उसके कंपैरिजन में एसआर इक्विटी शेयर्स पे वोटिंग रेट दो गुना होगा, तीन गुना होगा, पांच गुना होगा, वो बात भी नोटिस की एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लिखी होनी चाहिए। नेक्स्ट बेसिकली आइडिया इज आप शेयर होल्डर को बुला रहे हैं एक पर्पज के लिए, तो शेयर होल्डर को हर वो बात बताइए जो उसके डिसीजन को इम्पैक्ट कर सकता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी कंडीशन आपको दे रखी है। इधर ओके, नाउ देखिए ये इन दिस केस, नाउ नेक्स्ट बोला और क्या नोटिस होना चाहिए, राइट्स एज टू डिफरेंशियल डिविडेंड इफ एनी, मतलब अगर डिविडेंड में भी कोई डिफरेंस किया है कि भाई वोटिंग रेट हमने आपका ज्यादा कर रहे हैं लेकिन हम डिविडेंड कम देंगे तो वो भी आपको नोटिस के अंदर मेंशन होना चाहिए। जरूरी नहीं करें मतलब इफ एनी लिखा हो भी सकता है नहीं भी। अच्छा इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहता हूं, जब आपने एसआर इक्विटी शेयर इशू किए थे उस समय तो आप आईपीओ उसके बाद आईपीओ ला रहे हैं तो आपने हो सकता है उसमें डिविडेंड में भी कोई डिफरेंस किया होगा, हो सकता है, जरूरी नहीं है लेकिन इफ एनी वो भी आपने नोटिस में मेंशन किया। लेकिन जैसे आप आईपीओ लाएंगे तो डिविडेंड में जो डिफरेंशियल का राइट्स होगा वो खत्म हो जाएगा, मतलब क्या होगा जो भी डिफरेंस रहेगा ओनली इन द वोटिंग राइट्स, क्या रहेगा ओनली इन द वोटिंग राइट, मतलब जब आपने पास में इशू किया तो वहां आप डिविडेंड में भी डिफरेंस कर सकते हैं लेकिन अगर फ्यूचर में आईपीओ ले आते हैं तो डिविडेंड वाला डिफरेंस खत्म हो जाएगा, खाली डिफरेंस रहेगा ओनली इन द वोटिंग राइट्स। इन्हें एसआर हमने क्या बोला, एसआर इक्विटी शेयर स्पेशल राइट्स इक्विटी शेयर या इक्विटी शेयर सुपीरियर वोटिंग राइट, हम सुपीरियर वर्ड से किससे लगा रहे हैं वोटिंग राइट के साथ, इस तरह आप जब तक आईपीओ नहीं ला रहे तब तक आप वोटिंग राइट को बेटर कर सकते हैं, डिविडेंड राइट को कम कर सकते हैं, वो सब ठीक है लेकिन द मोमेंट कह सकते जब पहले आप सब कुछ पहले जैसे अलाउड नहीं था, अभी भी हम बोलते हैं सब आप अगर आईपीओ कर लेते हैं तो उसके बाद जो डिफरेंस हो सकता है इन द राइट्स वो सिर्फ आपको वोटिंग राइट्स में हो सकता है, सिर्फ इसमें वोटिंग राइट्स में हो सकता है, नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट वी कॉल द डिविडेंड। लेकिन पास में हो सकता है, इससे बोला जब आपने इशू किया था उस समय नोटिस में लिखा हुआ, लेकिन अभी आगे इसका इम्पैक्ट आएगा कि जैसे आईपीओ लाएंगे तो डिविडेंड में राइट्स डिफरेंस खत्म हो जाएगा, डिविडेंड का राइट्स सब सारे शोल्डर का सेम होगा, खाली फर्क इसमें रहेगा ओनली इन द वोटिंग राइट्स। नेक्स्ट क्योंकि आगे आप कंफ्यूज ना हो जैसे मैंने पहले ही पॉइंट समझा दिया, सनसेट प्रोविजन विच प्रोवाइड फॉर अ टाइम फ्रेम फॉर द वैलिडिटी ऑफ सच, जैसे सनसेट का मतलब क्या है, आप ये भी तो लिख सकते हैं कि भाई हम फिलहाल आपको इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट एसआर इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं लेकिन पांच साल के बाद इतने साल के बाद ये क्या होगा इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, मतलब स्पेशल राइट खत्म हो जाएंगे, यू विल ट्रीटेड लाइक ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। तो ये बात भी आपके नोटिस के एक्सप्लेनेटरी और ये भी सनसेट प्रोविजन क्या है मैं आपको बताऊंगा लेकिन ये भी आप नोटिस में मेंशन करेंगे। नेक्स्ट मैटर्स इन रेस्पेक्ट विद एसआर इक्विटी शेयर वुड हैव द सेम वोटिंग राइट, देखना ये भी आगे आएगा। अच्छा भले हमने एसआर इक्विटी शेयर इशू कर दिए बट हम कुछ मैटर स्पेसिफाई कर सकते हैं कि इन मैटर्स में आपको भले आप एसआर इक्विटी शोल्डर हैं आप एक स्पेशलाइज्ड इक्विटी शोल्डर हैं बट कुछ मैटर्स में आपके वोटिंग राइट सेम होंगे एज ऑर्डिनरी इक्विटी शोल्डर इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट, हाँ बाकी चीजों में आपके वोटिंग राइट में डिफरेंस होगा लेकिन कुछ चीजों में योर वोटिंग राइट विल बी एट पार विद द वोटिंग राइट, इवन इफ यू आर होल्डिंग एसआर इक्विटी शेयर फिर भी आपके कुछ मैटर्स में कुछ चीजों में आपके वोटिंग राइट सेम होंगे एज दैट ऑफ द वोटिंग राइट्स ऑफ द इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट्स। एंड ये सारी बातें नोटिस तो जाएगा जनरल मीटिंग का एंड जहां पे ये रेजोल्यूशन पास करवाना है उससे रिलेटेड वहां पे ये सारी चीज आपको उसके नोटिस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट होनी मतलब हुई होंगी पास में, ये भी कंडीशन। तो आप कह सकते हैं कि जैसे आप आईपीओ अगर प्लान कर रहे हैं उससे पिछले 6-8 महीने में साल भर में अगर ऐसे इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं तो आप ये सारी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आप इक्विटी इशू शेयर इशू करें उसका नोटिस ड्राफ्ट करें, शोल्डर की अप्रूवल एसआर से कराएं स्पेशल रेजोल्यूशन से न कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, क्योंकि कंपनी के हिसाब से ओआर से भी काम चल जाता है लेकिन यहाँ पे एसआर की रिक्वायरमेंट क्या है, सर की रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट ये बोल रहा है नेक्स्ट कंडीशन, कंडीशन नंबर 5, द एसआर इक्विटी शेयर्स हैव बीन हेल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ
प्रायर टू द फाइलिंग ऑफ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, मतलब क्या हुआ? अच्छा, आप जानते हैं कि सब बुक बिल्डिंग मेथड से जब कंपनीज पब्लिक इशू लाती हैं, आईपीओ एफपीओ वगैरह, तो उसमें शुरू में प्रोस्पेक्टस नहीं होता, क्या होता है? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। और जानते हैं सेबी को ड्राफ्ट रेड हेरिंग, डीआरएसपी ड्राफ्ट रेड। तो जिस दिन सेबी को हमने आईपीओ जो हम प्लान कर रहे हैं, तो आईपीओ से रिलेटेड जो हमने डीआरएसपी जिस दिन फाइल किया, उसके पिछले 6 महीने से कंटिन्यूअसली आपको प्रोमोटर मस्ट बी होल्डिंग दोज एसआर इक्विटी शेयर। मतलब ये नहीं कि आईपीओ से सिर्फ 2 दिन पहले, 5 दिन पहले, 10 दिन पहले, 1 महीना पहले आपने इशू, मतलब कम से कम 6 महीने पहले आपको अलॉट हुए, तभी तो आप कंटिन्यू होल्ड करें। और पहले अलॉट हो तो और अच्छी बात है, 8 महीने पहले, 1 साल पहले। तो कंडीशन है एसआर इक्विटी शेयर हैव बीन हेल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ प्रायर टू द फाइलिंग ऑफ द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। फाइलिंग टू हूम? टू द सेबी, यू नो दैट, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट बोल रहा है, नेक्स्ट कंडीशन, द एसआर इक्विटी शेयर शैल हैव द वोटिंग राइट्स इन द रेशियो ऑफ मिनिमम 2:1 अप टू अ मैक्सिमम 2:10:1 कंपेयर टू ऑर्डिनरी शेयर एंड सच रेशियो शैल बी इन होल नंबर्स ओनली। देखिए क्या मतलब है, मतलब एक तरफ अगर हम लिख लें इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट्स, और एक तरफ लिख दें हम इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स, या जिसको हम एसआर इक्विटी शेयर बोल रहे, एक ही बात है। मतलब यहां पे अगर हम वोटिंग राइट जो भी दे रहे हैं उसके कंपेरिजन में यहां पे मिनिमम 2 टाइम्स और मैक्सिमम 10 टाइम्स दे सकते हैं इन कंपेरिजन टू एग्जाम्पल। तो मान ली एक इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट, हम एक वोट दे रहे हैं, तो एक इक्विटी शेयर डिफरेंशियल एसआर इक्विटी शेयर हम 2 भी दे सकते हैं एक इक्विटी शेयर पे, और चाहे तो 10 वोट तक भी ले सकते हैं, मतलब 2 से कम नहीं और 10 से अगर यहां पे एक वोट दे रहे हैं, यहां पे 2 वोट हो सकता है और यहां मैक्सिमम 10, मतलब 2 से लेकर 10 के बीच में कुछ भी आप कर सकते हैं। वो तो आपका रेजोल्यूशन में मेंशन हुआ कि हम कितने वोट देंगे, तो आप बोल सकते हैं कि सब एसआर इक्विटी शेयर होल्डर विल हैव द वोटिंग राइट 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स कुछ भी लिख सकते हैं, बट नॉट मोर देन 5 टाइम्स लिख लीजिए, 7 टाइम्स, बट 11 टाइम्स नहीं लिख सकते आप, बिकॉज दैट इज मोर देन 10 टाइम्स। आप लिख लें 5 टाइम्स ऑफ द वोटिंग राइट्स ऑफ द इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट, और ये होल नंबर में होगा। होल नंबर का मतलब क्या है? 2 के बाद अगर आपको 2 टाइम्स कर सकते हैं 3, बट 2.5 टाइम नहीं, कि भाई वहां के वोटिंग राइट 2.5 गुना आपको वोटिंग राइट, नो, नॉट फ्राइट, शुड बी होल नंबर, इट शुड नॉट बी इन फ्रैक्शन, इट शुड नॉट बी इन डेसिमल, इट शुड बी होल नंबर। इट मीन्स जो इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट्स पर वोटिंग राइट होगा उससे आपका इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट पर वोटिंग राइट 2 गुना कम से कम और 10 गुना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, एंड ये फ्रैक्शन नहीं होगा, शुड बी इन होल नंबर ओनली, शुड बी इन होल नंबर ओनली। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट ये बोल रहा है द एसआर इक्विटी शेयर्स शैल हैव द सेम फेस वैल्यू एज द ऑर्डिनरी शेयर्स। मतलब बेसिकली दोनों की इक्विटी फेस वैल्यू, इसकी फेस वैल्यू और इसकी फेस वैल्यू दोनों की क्या होगी? सेम फेस वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होगा, दोनों की फेस वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। द इश्यूअर शैल हैव ओनली 1 क्लास ऑफ एसआर इक्विटी शेयर, मतलब आपके स्पेशल राइट इक्विटी शेयर सिर्फ 1 क्लास के होंगे, ऐसा नहीं कि साहब आपने कई सारे एसआर इक्विटी शेयर कई कैटेगरी के बना दिए। जैसे मान ली एक कैटेगरी बना दी कि साहब ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर से वहां पर 2 गुना वोटिंग राइट होगा, दूसरा बना दिया ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर से 4 गुना वोटिंग, नो, एक पर्टिकुलर कंपनी के एक ही क्लास के एसआर इक्विटी शेयर होंगे जो भी होंगे उसका वोटिंग राइट नॉर्मल इक्विटी शेयर से 2 गुना से लेकर 10 गुना के बीच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक ही कैटेगरी होंगे। फिर बोला एसआर इक्विटी शेयर शैल बी इक्विवेलेंट टू ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर इन ऑल रिस्पेक्ट एक्सेप्ट फॉर हैविंग द सुपीरियर वोटिंग। अब देखो क्या, ध्यान सुनो, अभी थोड़ी देर पहले एक पॉइंट आया था कि जब इशू हुए थे पास में टू द प्रोमोटर फाउंडर एसआर इक्विटी शेयर, तो उनके हम डिविडेंड राइट्स में फर्क कर सकते हैं, वोटिंग राइट्स ऑब्वियसली बेटर होगा ही होगा एसआर इक्विटी शेयर का मतलब ये। लेकिन एक बार आप आईपीओ ले आए उसके बाद जो पहले से एसआर इक्विटी शेयर आपने इशू कर रखे थे उनका सिर्फ सुपीरियर राइट्स वोटिंग राइट में होगा, बाकी सब चीजों में इट विल बी एट पार विद इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट्स। इसी तरह पहले अगर डिविडेंड राइट्स में आपने कुछ कम भी कर रखा था वो चेंज खत्म हो जाएगा, वो आईपीओ का इफेक्ट ही आएगा कि साहब वो चेंज खत्म हो जाएगा, नाउ इट विल बी एट पार विद एनी अदर इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट। ओनली डिफरेंस किस में रहेगा? इन द सुपीरियर वोटिंग राइट्स, द सुपीरियर वोटिंग राइट। तो देखो इम्पैक्ट आ गया, पहले आपने भले ही इशू कर रखा हो लेकिन आईपीओ लाते हुए चेंज आ जाएगा। ठीक है, लिखा एसआर इक्विटी शेयर शैल बी इक्विवेलेंट टू ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर इन ऑल रिस्पेक्ट, ऑर्डिनरी मींस इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट, हर तरीके उनके बराबर है, एक्सेप्शन खाली क्या, फॉर हैविंग सुपीरियर वोटिंग राइट। तभी तो नाम है एसआर इक्विटी शेयर स्पेशल राइट इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर विद स्पेशल सुपीरियर वोटिंग राइट, सिर्फ वोटिंग राइट सुपीरियर, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं होगा। एंड लास्ट में एसआर इक्विटी शेयर का मीनिंग दे रखा तो मैंने पहले ही बता दिया, एसआर इक्विटी शेयर मीन्स द इक्विटी शेयर ऑफ एन इश्यूअर हैविंग द सुपीरियर वोटिंग राइट
कंपेयर टू ऑल अदर इक्विटी शेयर इशूड बाय दैट इशूअर. एक इशूअर ने जितने भी इक्विटी शेयर इशू कर रखे हैं उनमें अगर कुछ इक्विटी शेयर के सुपीरियर वोटिंग राइट है इन कंपेयर टू अदर इक्विटी शेयर, देन दोज इक्विटी शेयर ऑफ दैट इशूअर विल बी कॉल्ड एज एस आर इक्विटी शेयर. जो पूरा कंसेप्ट हमने इसे एक मतलब बेसिकली ये जो पूरा टॉपिक हमने पढ़ाई जो अमेंडमेंट पढ़ी इन रेगुलेशन नंबर 6 दैट इज एंट्री नॉर्म्स फॉर एन आईपीओ, कि अगर आप आईपीओ ला रहे हैं और आपके पहले से आपने एस आर इक्विटी शेयर अपने प्रमोटर फाउंडर को इशू कर रखे हैं तब उस केस में आईपीओ के जो भी नॉर्म्स लगते हैं चैप्टर 2 ऑफ सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन में देखे वो सब फॉलो करना है. बट उसके अलावा एडिशनली इन सारी कंडीशन का जो हमने यहाँ पे 9 कंडीशन पढ़ी है इन सारी कंडीशन का भी आपको कंप्लायंस करना है. सब्जेक्ट टू दैट आप आईपीओ ला सकते हैं अगर आपने पहले से आईपीओ, तो आप इक्विटी शेयर विद इक्वलाइज ला रहे हैं, अगर आपने पहले से इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट या एस आर इक्विटी शेयर इशू कर रखे हैं टू योर प्रमोटर एंड फाउंडर. सो दैट इज द अमेंडमेंट इन रेगुलेशन नंबर 6 इन द टॉपिक एलयूटी रिक्वायरमेंट और एंट्री नॉर्म फॉर एन आईपीओ. इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट ओके? अब मैं सेम आईपीओ में ये तो ये रेगुलेशन नंबर 6 में जो अमेंडमेंट था मैंने बता दिया, अब मैं आपको और भी आपको जो अमेंडमेंट्स है वो बताने जा रहा हूं. देखिए आपको आईपीओ में और भी अमेंडमेंट है वो भी अगेन बिकॉज ऑफ द एसआर इक्विटी शेयर्स. ये तो रेगुलेशन 6 में था और फर्दर जो रेगुलेशन आईपीओ में वो हमारा आईपीओ में ही चल रहा है. और देखिए एक तो हो गया आपका रेगुलेशन 6, अब देखिए दूसरा क्या अमेंडमेंट है. Now we move on to the another amendment in SEBI ICDR regulation 2018 regarding the IPO. एक आपका टॉपिक दे रखा है इसके अंदर लॉक इन, आईपीओ में लॉक इन एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफरेबिलिटी. लॉक इन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरिटी, इसमें एक नया पैराग्राफ अगेन ये भी एस आर इक्विटी मतलब एक्चुअली उसी टॉपिक का इफेक्ट कई जगह रखा है. इसमें एक नया पैराग्राफ एड होगा आफ्टर द सेकेंड पैराग्राफ एंड बिफोर थर्ड पैराग्राफ. अगर इस टॉपिक अगर हम देखें इस टॉपिक के अंदर आपके टोटल जो लॉक इन रिस्ट्रिक्शन और ट्रांसफरिटी ये टोटल 4 पैराग्राफ है, सॉरी 3 पैराग्राफ है इसके अंदर टोटल, और इसमें एक पैराग्राफ हम ऐड कर रहे हैं एंड दैट इज आफ्टर द सेकंड बिफोर द थर्ड. आफ्टर सेकंड पैरा एंड बिफोर थर्ड पैरा, इसका मतलब जो थर्ड अभी है फिलहाल वो फोर्थ हो जाएगा और थर्ड ये अब जो एड हो रहा है वो थर्ड हो जाएगा. वो क्या बोलता है देखिए, इट मे बी नोटेड दैट एस आर इक्विटी शेयर दैट इज स्पेशलाइज्ड इक्विटी शेयर शैल बी अंडर लॉक इन अंटिल कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर्स. अभी मैंने बताया सनसेट क्लॉज कि सनसेट के एक समय के बाद वो नॉर्मल इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा. इनटू इक्विटी शेयर हैविंग सुपीरियर वुड शैल बी लॉक इन अंटिल कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर हैविंग वोटिंग राइट सेम एज, मतलब कन्वर्जन किसमें, ऐसे इक्विटी शेयर हैविंग द वोटिंग सेम एज दैट ऑफ ऑर्डिनरी शेयर और शैल बी लॉक्ड इन फॉर अ पीरियड ऑफ स्पेसिफाइड अवर्स अफोरसेड विच एवर लेटर. देखिए पहले के जो दो पैराग्राफ में लॉक इन पीरियड दे रखा है, अब ये जो मैं बता रहा हूं ये थर्ड पैराग्राफ हो गया, थर्ड जो पहले था वो फोर्थ हो गया. उसमें जनरली जो मिनिमम प्रोमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन होता है उसमें 3 ईयर्स का लॉक इन होता और जो ओवर एंड अबव बियॉन्ड द मिनिमम एक्स्ट्रा जो होता है जो एक्स्ट्रा बियॉन्ड द वन ईयर होता है ये पहले के पैराग्राफ में. अब ये बोला जो ऊपर दे रखा है वो वाला लॉक इन पीरियड और जब तक कन्वर्ट नहीं होता वो एस आर इक्विटी शेयर इंटू इक्विटी शेयर विद ऑर्डिनरी इक्वल राइट्स वो पीरियड, दोनों में से जो भी लेटर पीरियड है, मतलब क्या हुआ एक तो ऊपर वाले जो प्रोविजन जो जनरल प्रोविजन जो अभी तक हम पढ़ते आए तो वो तो प्रोविजन चलेंगे वो, और जब वो कन्वर्ट होगा इंटू इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट वो पीरियड, दोनों में जो भी पीरियड ज्यादा है उतने टाइम तक इसके ऊपर लॉक इन रेस्ट्रिक्शन रहेगी. किस पे? एसआर इक्विटी शेयर पर. इसका मतलब क्या है, एसआर इक्विटी शेयर केस में लॉक इन रिक्वायरमेंट कैसे निकालेंगे, दो चीज चेक कर लीजिए कि सर व्हेन द सनसेट क्लॉज विल ऑपरेट, मतलब कब वो कन्वर्ट होगा इनटू इक्विटी शेयर वो डेट निकाल लीजिए, एंड कब जनरल प्रोविजन के हिसाब से लॉक इन पीरियड कब तक चलना चाहिए वो डेट लास्ट डेट क्या है,
दोनों में बीच में लेटर, उस दिन तक लॉक इन चलेगा, उसके बाद आपको लॉक इन रेस्ट्रिक्शन हट जाएगी, लॉक इन रेस्ट्रिक्शन आपको हट जाएगी। तो कह सकते हैं, मैं फिर से बोलता हूँ, इट मे बी नोटेड दैट एसआर इक्विटी शेयर शैल बी अंडर लॉक इन, मतलब एसआर इक्विटी शेयर लॉक इन में रहे कब तक, अंटिल कन्वर्जन इन टू इक्विटी शेयर हैविंग द वोटिंग राइट सेम एज दैट ऑर्डिनरी शेयर, मतलब जब तक कन्वर्ट नहीं होता इनटू द इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट वो डेट, और शैल लॉक इन फॉर अ पीरियड स्पेसिफाइड अफोरसेड, मतलब पहले दो पैराग्राफ के अंदर जो भी दे रखा है, एंड विच एवर इज लेटर, इसका मतलब इसके अंदर लॉक इन रिस्ट्रिक्शन थोड़ी डिफरेंट तरीके से आपको लगेंगे। फिर आपको एक टॉपिक दे रखा है आईपीओ में, थर्ड हम आईपीओ से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं, आईसीडीआर रेगुलेशन लॉ के अंदर आईपीओ से रिलेटेड, थर्ड प्लेज ऑफ लॉक्ड इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, प्लेज ऑफ लॉक्ड इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटी रेगुलेशन नंबर 21, उसमें लिखा हुआ है कि स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द प्रोमोटर्स एंड लॉक्ड इन में बी प्लेस, मतलब बेसिकली क्या है, प्रोमोटर जो सिक्योरिटी होल्ड कर रहा है विच इज सब्जेक्ट टू लॉक, मतलब उसमें लॉक इन चल रहा, सेल नहीं कर सकता, लेकिन उसके अगेंस्ट लोन ले सकता, मतलब उसके ऊपर सिक्योरिटी क्रिएट करके बैंक से लोन उठा सकता, ये अलाउड है, मतलब सेल करना लॉक इन तो ऑब्वियस सेल तो नहीं कर सकते, बट आप उसके ऊपर सिक्योरिटी क्रिएट, कोलेटरल सिक्योरिटी क्रिएट करके आपने पढ़ा है, एंड द प्रोमोटर्स कैन बोरो द मनी फ्रॉम बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लेकिन इसमें इन्होंने लिख दिया है जो स्टार्टिंग में लिखा ना आफ्टर सब स्टार्टिंग में जो ऑलरेडी आपके बुक में मैं पढ़ रहा हूँ, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी हेल्ड बाय प्रोमोटर, तो स्पेसिफाइड सिक्योरिटी के बाद और हेल्ड बाय प्रोमोटर से पहले बीच में आगे एक्सेप्ट एसआर इक्विटी शेयर, इसका मतलब क्या हुआ, अब पूरा क्या हो गया, अब अमेंड होने के बाद सेंटेंस क्या हो गया, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी कॉमा एक्सेप्ट एसआर इक्विटी शेयर अगेन कॉमा हेल्ड बाय प्रोमोटर्स एंड लॉक्ड इन मे बी प्लेस एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, इसका मतलब क्या हुआ कि जनरली जो इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट्स हैं वो अगर लॉक्ड इन है एंड प्रोमोटर की होल्डिंग है तो उसके ऊपर आप सिक्योरिटी क्रिएट के लोन उठा दें, लेकिन कह सकते हैं जो एसआर इक्विटी शेयर्स हैं दे कैन नॉट बी प्लेस्ड एंड इसके ऊपर लॉक इन चल रहा है दे कैन नॉट बी प्लेस्ड एंड इनके ऊपर आप प्लेस क्रिएट करके आप लोन वगैरह नहीं उठा सकते, इट इज नॉट अलाउड, इसलिए लिखा स्पेसिफाइड सिक्योरिटी हेल्ड बाय कैन बी प्लेस्ड, तो स्पेसिफाइड सिक्योरिटी में हम कौन सी को एक्सक्लूड कर दिया, अगर एसआर इक्विटी शेयर वो आपको प्लेस नहीं हो सकती वो एक्सक्लूड कर दिया, लेकिन एसआर इक्विटी सॉरी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी एक्सेप्ट एसआर इक्विटी शेयर एंड दे कैन बी प्लेस, मतलब एसआर इक्विटी शेयर कैन नॉट बी प्लेस्ड, तो ये बीच में एक एक्सेप्ट एसआर इक्विटी शेयर डाल दिया है जिससे कि क्लियर हो जाए कि उसको आप प्लेस नहीं कर सकते। तो ये तीन चेंजेस आईपीओ टॉपिक में थे, अब आते हैं एफपीओ, सेम आईसीडीआर रेगुलेशन, हमारा लॉ वही चल रहा है, चैप्टर वही चल रहा है, ठीक है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर पहले आईपीओ के प्रोविजन, आईसीडीआर रेगुलेशन, अब किसके एफपीओ के, एफपीओ से रिलेटेड क्या क्या अमेंडमेंट है देखिए आपको, एफपीओ से रिलेटेड पहला अमेंडमेंट आपका देखिए, द फर्स्ट अमेंडमेंट इज रिगार्डिंग द एफपीओ, इसमें एक टॉपिक आपका दे रखा मिनिमम प्रोमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन नंबर 113, मैं सबको बताऊं जिससे कि आप आराम से आइडेंटिफाई करें कहां पे चेंज है, ये टॉपिक जहां खत्म हो रहा है मिनिमम प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन के लास्ट में एक पैराग्राफ ऐड हो जाएगा, इट मे बी नोटेड दैट द एसआर इक्विटी शेयर ऑफ द प्रोमोटर इफ एनी, अगर पहले से है जरूरी तो नहीं है, शैल बी एलिजिबल टुवर्ड्स कंप्यूटेशन ऑफ मिनिमम प्रोमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान ली कंपनी है वाई लिमिटेड, ये एफपीओ ला रही है, तो मिनिमम प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन की जो रिक्वायरमेंट कंप्लाई करनी है, इसके अगर पहले से जो प्रोमोटर्स हैं उनके पास अगर कोई एसआर इक्विटी शेयर्स हैं तो वो भी मिनिमम प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन में काउंट किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा, शैल ऑल्सो बी एलिजिबल टुवर्ड्स द कंप्यूटेशन ऑफ मिनिमम प्रोमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, क्लियर। आगे आपका एफपीओ में दूसरा अमेंडमेंट देखिए, लॉक इन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरिटी, लॉक इन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरिटी, लॉक इन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरिटी, इसमें
एडिशन ऑफ फॉलोइंग न्यू पैरा आफ्टर सेकेंड पैरा एंड बिफोर थर्ड पैरा, सिमिलर काइंड ऑफ, देखिए जैसे ऊपर था कि मतलब इसमें जो एसआर इक्विटी शेयर्स होंगे इसके ऊपर लॉक इन अलग तरीके से होगा. इट मे बी नोटेड एसआर इक्विटी शेयर्स शैल बी अंडर लॉक इन. कब तक लॉक इन मिलेगा? अंटिल कन्वर्जन टू इक्विटी शेयर हैविंग द वोटिंग राइट सेम एज, मतलब जब तक ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं होते उतना पीरियड. प्रोवाइडेड देयर इन कंप्लायंस विद अदर प्रोविजन, मतलब बेसिकली क्या है आईसीडीआर अदर प्रोविजन दीज रेगुलेशन, दीज रेगुलेशन सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018, मतलब अगर आप सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन बाकी सारे प्रोविजन कंप्लाई करते हैं तो जब तक आप ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर इक्वल राइट में कन्वर्ट नहीं होते उतने पीरियड तक एसआर इक्विटी शेयर शैल बी सब्जेक्ट टू लॉक इन. अच्छा एक चीज देखो, ये एफपीओ और आईपीओ में थोड़ा फर्क था. आईपीओ में क्या था, जब तक वो कन्वर्ट नहीं होते उतना पीरियड, और जो जनरल प्रोविजन है आपका 3 ईयर्स और 1 ईयर दोनों में से विच एवर लेटर. और यहां पे सिंपल है, जब तक वो कन्वर्ट नहीं होता इनटू द ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर तब तक वो लॉक इन में रहेगा एसआर इक्विटी शेयर, एसआर इक्विटी शेयर्स. इसमें इतना ही है, विच एवर लेटर वाला कंसेप्ट यहां पे नहीं. तीसरा अमेंडमेंट एफपीओ में देखिए, तीसरा अमेंडमेंट एफपीओ में प्लेस ऑफ लॉक्ड इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, ये अमेंडमेंट सेम है जो कि आईपीओ में था. प्लेस ऑफ लॉक्ड इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, यहां भी वही आपका उसमें लिखा होता ना कि साहब स्पेसिफाइड सिक्योरिटी हेल्ड बाय द प्रोमोटर्स कैन बी प्लेस्ड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, तो उसमें बीच में एक्सेप्ट एसआर इक्विटी शेयर, मतलब क्या है कि बाकी आप प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है उसको जो लॉक इन में है आप भेज तो नहीं सकता प्रोमोटर, लेकिन प्लेस क्रिएट करके आप बोरिंग कर सकते हैं, सिक्योरिटी क्रिएट करके लोन ले सकते हैं. लेकिन आप एसआर इक्विटी शेयर अगर आपके पास है, एसआर इक्विटी शेयर अगर आप लॉक इन चल रहा है तो आप उसके ऊपर प्लेस, इट कैन नॉट बी प्लेस. तो ये सेम अमेंडमेंट आपका वहां भी था, इट कैन नॉट बी प्लेस. तो आपका स्टार्टिंग में जो सेंटेंस था जो स्पेसिफाइड सिक्योरिटी हेल्ड बाय प्रोमोटर्स कैन बी प्लेस, तो स्पेसिफाइड सिक्योरिटी हेल्ड बाय प्रोमोटर इनके बीच में क्या, एक्सेप्ट एसआर इक्विटी शेयर, मतलब एसआर इक्विटी शेयर हेल्ड बाय प्रोमोटर इट कैन नॉट बी प्लेस, इस पे वो प्लेस क्रिएट नहीं कर सकता, दैट इज नॉट अलाउड. दैट इज आईपीओ में भी सेम और एफपीओ में भी सेम. तो ये आपका चेंजेस आपके आईसीडीआर रेगुलेशन में एक आईपीओ में हो गए और अब आपको एफपीओ में हो गए. अब आते हैं कुछ चेंजेस और आईसीडीआर रेगुलेशन में. आईपीओ के मैंने बता दी, एफपीओ को बता दी, अब मैं बताऊं राइट्स इशू. राइट्स इशू में क्या चेंजेस हैं रिगार्डिंग द इन द आईसीडीआर रेगुलेशन अगेन पर्टेनिंग टू एसआर इक्विटीज. अब देखो बाय एंड लार्ज सारे अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है, जो नया कंसेप्ट है एसआर इक्विटीज जो मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया उससे रिलेटेड ही सारे अमेंडमेंट्स हैं. देखिए अब राइट्स इशू में क्या अमेंडमेंट है, देखिए आपको राइट्स इशू के अंदर एक टॉपिक आपके दे रखा है जनरल कंडीशंस फॉर अ राइट्स इशू. वही सेम चैप्टर आपका सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन, उसके अंदर जो राइट्स इशू टॉपिक है उसमें आपको एक टॉपिक सब टॉपिक दे रखा है जनरल कंडीशन फॉर राइट इशू. आई थिंक जो आपका राइट इशू का फर्स्ट पेज है उसे भी आपको मिलेगा. जो राइट्स इशू है उसका फर्स्ट पेज पे आपको चीज नजर आ जाएगी. फर्स्ट पेज पे ही आपका है पहला राइट्स इशू में पहला इंट्रोडक्शन है, फिर रेफरेंस डेट है, फिर एंटिटीज नॉट एलिजिबल टू मेक एन राइट्स इशू, और गलती से आईपीओ लिखा हुआ राइट्स इशू, एंड जनरल कंडीशन फॉर राइट इशू. तो जनरल कंडीशन फॉर राइट इशू रेगुलेशन नंबर 62, इसके अंदर लास्ट में एक पैराग्राफ आपको ऐड करना एकदम लास्ट, जहां टॉपिक खत्म हो रहा है रेगुलेशन 62 वहां लास्ट में एक पैराग्राफ ऐड हुआ. क्या देखिए वो क्या कह रहा है, देखिए आपको मैं पूरा पढ़ता हूं फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. इट में फर्दर बी नोटेड, क्योंकि इससे पहले वाले पैराग्राफ में इट में बी नोटेड लिखा होता है इसलिए. इट में फर्दर बी नोटेड दैट वेयर द इश्यूअर हैड इश्यूड एसआर इक्विटी शेयर्स टू इट्स प्रमोटर्स और फाउंडर्स देन सच एसआर शोल्डर शैल नॉट रिनाउंस देयर राइट्स and the SR shares received in right issue shall remain under lock-in until conversion into equity share having the voting rights same as that of ordinary equity share along with the existing SR equity share. देख क्या मतलब है, मान ले कंपनी एक्स लिमिटेड ये ऑलरेडी लिस्टेड है और ये राइट्स इशू ला रही है,
Let's say P is one of the promoters or founder of this particular company. Founder. And he is holding the SR equity shares. हो जाता है जनरल इक्विटी शेयर भी, बट इसका SR मिली पॉइंट SR इक्विटी शेयर। अगर जब कंपनी राइट इश्यू ला रही है तो क्या आपने सारे इक्विटी शोल्डर को ऑफर देगी? ऑफर इसको भी जाएगा कि आप नए शेयर हमसे परचेज कर सकते हैं जो राइट शेयर। अच्छा आप कंसेप्ट एक पढ़ते हो सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए जो कंपनी एक्ट के अंदर पढ़ते हो कि राइट शेयर में जो ऑफर दिया था टू द एग्जिस्टिंग शोल्डर, क्या एग्जिस्टिंग शोल्डर चाहे तो उस राइट को रिनाउंस कर सकते इन फेवर सम अदर पर्सन। याद है पढ़ते हो कि हम मुझे नहीं लेना कि मैं किसी और के फेवर में। यहां बोला है अगर वो प्रोमोटर फाउंडर अगर SR इक्विटी शेयर होल्ड कर रहा है तो रिनाउंसिएशन का राइट उसका नहीं। एक तो ही कैन नॉट रिनाउंस हिज राइट, रिनाउंसिएशन नहीं कर सकता किसी और के फेवर में, ये राइट नहीं दे सकता। एक तो ये शेल नॉट रिनाउंस देयर राइट्स एंड SR। अब आपको जो अच्छा रिनाउंस नहीं कर सकते इसका मतलब क्या, आपको लेने पड़ेंगे शेयर्स राइट इशू वाले। अच्छा जब ये लेगा तो बोला वो जो शेयर जो लेगा राइट इशू उस पर भी लॉक इन रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक कि वो कन्वर्ट नहीं होते इनटू द इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट्स। जैसे कि जो पहले से, जैसे आपके पास पहले से SR इक्विटी शेयर्स हैं और ये जब कन्वर्ट होंगे इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट्स में तो जितने टाइम तक इसके ऊपर भी लॉक इन, अभी हमने पढ़ा उसके ऊपर भी लॉक इन है जब तक ये कन्वर्ट नहीं होता, और तब तक आपको राइट शेयर जो मिलेंगे उसके ऊपर भी उतना ही पीरियड क्या लगेगा, लॉक इन। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपके SR इक्विटी शेयर्स हैं जिसके बेसिस पे राइट शेयर आपको ऑफर किए जा रहे हैं इसके ऊपर जितने दिन का लॉक इन चल रहा है जब तक इक्विटी शेयर पे इक्वल राइट में कन्वर्ट तब तक लॉक इन चलता है, मैंने बताया था उतने दिन इस पे तो लॉक इन है, ये साथ में राइट शेयर पे भी लॉक इन चलेगा, ये भी आपको प्रमोटर बेच नहीं सकता। मैं फिर से पूरा पढ़ता हूँ। इट मे फर्दर बी नोटेड दैट वेदर इश्यूअर हैज इशूड SR इक्विटी शेयर टू इट्स प्रमोटर्स और फाउंडर्स देन सच ए SR शोल्डर शैल नॉट अनाउंस देयर राइट्स एंड द SR शेयर्स रिसीव्ड इन राइट इशू। एक तो रिनाउंस नहीं करेगा एंड द SR शेयर्स रिसीव्ड इन राइट इशू, क्योंकि पहले से आपको SR शेयर और SR शेयर आपको मिलेंगे इन राइट इशू, शैल रिमेन अंडर लॉक इन। कब तक? अंटिल कन्वर्जन इन टू इक्विटी शेयर हैविंग द वोटिंग राइट सेम एज दैट ऑर्डिनरी शेयर एंड अलॉन्ग विद द एग्जिस्टिंग, मतलब जो आपके एग्जिस्टिंग SR इक्विटी शेयर है वो प्लस राइट इशू वाले, क्योंकि उनके सेम टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, वो इकट्ठे जब कन्वर्ट होंगे इनटू इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट तब तक इनके ऊपर लॉक इन चलेगा एंड द प्रोमोटर कांट सेल दोस शेयर, प्रोमोटर कांट सेल दोस शेयर। तो एक छोटा सा अमेंडमेंट है, ये एक एडिशनल कंडीशन ऐड हो गई है इन रेगुलेशन 62 जनरल कंडीशन फॉर अ राइट इशू। फिर ये सब तभी है कि जब पहले से आप SR इक्विटी शेयर होल्ड कर रहे हैं एंड ना तभी है, अगर होल्ड ही नहीं करा प्रोमोटर फाउंडर तो ऑब्वियसली कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। नाउ राइट इशू में एक छोटा सा पॉइंट और देखिए, एडिशन ऑफ फॉलोइंग सेकेंड राइट इशू में एक तो हो गया, दूसरा एडिशन ऑफ फॉलोइंग न्यू रेगुलेशन 76 आफ्टर रेगुलेशन 75 एंड बिफोर रेगुलेशन 78। मतलब आपके बुक में रेगुलेशन 75 दे रखा है, उसके बाद रेगुलेशन 78 दे रखा है बुक में जो ऑर्डर है राइट इशू में, उसमें बीच में हमने एक रेगुलेशन 76 के नए प्रोविजन ऐड कर दिए। मैंने देखिए एडिशन ऑफ फॉलोइंग न्यू रेगुलेशन 76 आफ्टर रेगुलेशन 75 एंड बिफोर रेगुलेशन 78 एंड ये रेगुलेशन 76 किससे रिलेटेड है, इट रिलेटेड टू SBA। अब इसका SR इक्विटी शेयर जो को लिया अंदर नहीं है, मैंने बाय एंड लार्ज SR नहीं, कुछ कुछ अदर चेंजेस भी हैं, SBA रिलेटेड है, अप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। आप जानते हैं कि साहब पब्लिक इश्यू में तो SBA मैंडेटरी हो चुका है कि साहब आपको SBA मेथड से ही अप्लाई करना पड़ेगा अप्लीकेशन, जो आप IPO मेथड वगैरह पढ़ते हैं पब्लिक इशू वगैरह में, राइट इशू में मैंडेटरी कर दिया। देखिए लिखा एन एप्लीकेंट टू गेट टू द राइट इशू, जो भी राइट इशू अप्लाई कर रहा है शेल डू सो ओनली थ्रू द SBA फैसिलिटी विच फैसिलिटी शेल बी प्रोवाइडेड बाय द इशूअर इन द मैनर स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। बोर्ड मीन सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आप जानते हैं कैपिटल मार्केट लॉज में सेबी को हम शॉर्ट में बोर्ड बोलते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो कोई भी राइट इशू अप्लाई कर रहा है ही विल अप्लाई ओनली थ्रू द SBA फैसिलिटी एंड दैट फैसिलिटी शेल बी प्रोवाइडेड बाय द इशूअर, किस तरीके से, इन द मैनर स्पेसिफाइड बाय द सेबी, इन द मैनर स्पेसिफाइड बाय द सेबी। अब इसमें एक बात और बोल रहे हैं, आपने ना इसी टॉपिक में देखना एक टॉपिक आपको राइट इशू में अगर याद हो, अगर एक कंपनी राइट इशू ला रही है और कंपनी के पहले से कंपल्सरी कन्वर्टिबल अगर डिवेंचर, अगर कंपनी के पहले से कंपल्सरी कन्वर्टिबल डिवेंचर हैं एंड चाहे पार्टली या फुल्ली कन्वर्टिबल, तो वो आपको कंपल्सरी कन्वर्टिबल अगर हैं अगर वो कंपल्सरी कन्वर्टिबल डिवेंचर हैं
अगर वो कंपल्सरी कन्वर्टिबल डिवेंचर याद होगा तो हमें राइट शेयर में कुछ पोर्शन उनके लिए रिजर्व करना है, और बाद में जब उनको आपको कन्वर्ट होंगे इनटू इक्विटी शेयर तो साथ में वो शेयर जो रिजर्व कर दिए, उनको कहते हैं रिजर्वेशन, एक अलग से कुछ शेयर उनके रिजर्व कर दिए, तो जो आपने रिजर्व किए उनको आप चाहें तो और भी कोई मेथड से अप्लाई करने की फैसिलिटी दे सकते हैं। बट एक चीज बताइए, जिनके लिए आपने जो कंपल्सरी कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट है एंड उनके लिए आपने कुछ राइट शेयर में शेयर रिजर्व कर दिए, प्रोविजन में पड़ा है, और फ्यूचर में जब कन्वर्ट होंगे तो उस समय आपको राइट शेयर का भी ऑप्शन आप देंगे, तो वो आउटसाइड जो कहते हैं वो राइट इशू के समय नहीं होना, तो बाद में उनको अभी हमने रिजर्व कर दिए, बाद में उनको ऑफर देंगे, मतलब उसके लिए आप चाहें तो कोई और इलेक्ट्रॉनिक मेथड फैसिलिटी दे सकते हैं। लेकिन जो राइट इशू जब चल रहा है ना, ओपनिंग ऑफर क्लोजिंग ऑफर जो मिनिमम 15 मैक्सिमम 30 डेज का होता है, उस पीरियड में कोई अप्लाई कर रहा है ओनली थ्रू एस्मा मेथड, ओनली थ्रू द एस्मा मेथड, ठीक है ना। हाउ एवर पेमेंट थ्रू एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग मोड शैल बी परमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एप्लीकेशन मेड फॉर एनी रिजर्व्ड पोर्शन आउटसाइड द इशू पीरियड, मतलब जो इशू पीरियड है जो कम से कम 15 दिन का होता है, मैक्सिमम 30 दिन का, याद है राइट इशू में, उस पीरियड के अलावा किसी पीरियड में आप रिजर्वेशन कैटेगरी वाले को अगर शेयर दे रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं, तो उसके लिए आप कोई और इलेक्ट्रॉनिक मेथड बैंकिंग मेथड अलाउ कर सकते हैं। लेकिन ओपनिंग ऑफर और क्लोजिंग ऑफर जो 15 से 30 दिन के बीच का होता है, इस पीरियड में कोई भी अप्लाई करेगा ओनली थ्रू एसवा मेथड, ओनली थ्रू द एसवा मेथड। रेगुलेशन 76 एक नई चीज है इसमें आपको। फिर आपको एक आपको रेगुलेशन 78 जो ये वाला जो आपको ऑलरेडी आपके बुक में है, इसमें एक छोटा सा एक अमेंडमेंट आ गया। रेगुलेशन 78 में एक चीज दे रखा है, रेगुलेशन 78 जो आपकी बुक में ऑलरेडी दे रखा है, कि अगर कोई बंदा उसको अगर एग्जिस्टिंग शोल्डर है कंपनी का, राइट इशू रिलेटेड ही है, और अगर उसको ये व्हाट वी कॉल अगर एप्लीकेशन फॉर्म कंपनी से नहीं मिलता तो प्लेन पेपर पे भी अप्लाई कर सकता है। क्या कर सकता है? प्लेन पेपर पे भी अप्लाई कर सकता है, उसमें लिखा हुआ है। लेकिन उसमें लिखा हुआ कि अगर बाद में उसने अप्लाई कर दिया प्लेन पेपर पे, बाद में उसको सब्सिक्वेंटली अगर एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाता है तो वो आपको न तो रिनाउंस करेगा अपना राइट किसी और के फेवर में, आपको अलाउड नहीं है, ये आपको बाद ये आपको ऑलरेडी लॉ में लिखा हुआ है। एंड इन दिस टॉपिक कंडीशन फॉर मेकिंग द एप्लीकेशन ऑन प्लेन पेपर रेगुलेशन नंबर 78 ये लिखा हुआ है। शोल्डर हु हैव नॉट, जो ऑलरेडी बुक में लिखा हुआ है, शोल्डर हु हैव नॉट रिसीव्ड द एप्लीकेशन फॉर्म में मेक एन एप्लीकेशन इन राइटिंग ऑन अ प्लेन पेपर अलॉन्ग विद द रिक्विजिट एप्लीकेशन मनी। इट मे बी नोटेड अ शोल्डर मेकिंग एप्लीकेशन ऑन प्लेन पेपर शेल नॉट बी इंटाइटल टू रिनाउंस द राइट्स एंड शेल नॉट यूटिलाइज द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एनी पर्पज इंक्लूडिंग रिनाउंसिएशन इवन इफ इट रिसीव सब्सिक्वेंटली। अब इन्होंने यहां इसमें ना कुछ पोर्शन काट मतलब डिलीट कर दिया है। क्या मैं इस सेंटेंस को दोबारा पढ़ता हूँ। इट मे बी नोटेड अ शोल्डर मेकिंग एप्लीकेशन ऑन प्लेन पेपर शेल नॉट बी इंटाइटल टू रिनाउंस द राइट्स एंड शेल नॉट यूटिलाइज द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एनी पर्पज इंक्लूडिंग इवन इफ रिसीव, ये पूरा एंड शेल नॉट यूटिलाइज यहां से लेके सेंटेंस के एंड तक सारा कुछ डिलीट हो गया है। इसे अब सेंटेंस सिर्फ ये रह गया है, इट मे बी नोटेड शोल्डर मेकिंग एप्लीकेशन ऑन प्लेन पेपर शेल नॉट बी इंटाइटेड टू रिनाउंस द राइट्स। मतलब क्या है, अगर आप प्लेन पेपर अप्लाई कर रहे हैं तो आप रिनाउंस नहीं कर सकते, लेकिन अगर बाद में आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाता है तो आप उसके थ्रू रिनाउंस करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन पहले क्या था कि बाद में मिलने के बाद भी एप्लीकेशन उसके थ्रू भी आप रिनाउंस नहीं करते, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अगर आप चाहें तो रिनाउंस कर सकते हैं अगर आपने, लेकिन प्लेन पेपर पे रिनाउंस नहीं करते, प्लेन पेपर अप्लाई कर सकते हैं, रिनाउंस करना था इसलिए वो डिलीट कर दिया उन्होंने, इसके अंदर ये हट गया। इसके सेंटेंस क्या बन गया, इट मे बी नोटेड अ शोल्डर मेकिंग एप्लीकेशन ऑन प्लेन पेपर शेल नॉट बी इंटाइटल टू रिनाउंस द राइट्स एंड शेल नॉट, वो मतलब था कि आप एप्लीकेशन को बाद में मिल भी जाए तो आप किसी भी चीज का यूज नहीं करते, वो चीज डिलीट कर। इसका मतलब क्या है, अगर बाद में एप्लीकेशन मिल जाए तो आप उसके थ्रू कुछ उसका यूज करना चाहे रिनाउंस करना चाहे कुछ करना आप कर सकते हैं, लेकिन पहले ये चीज मना था, तो ये अमेंडमेंट है। लिखा मैंने देखिए आपके, मैंने जो अमेंडमेंट के नोट्स हैं, डिलीशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सेकंड पैरा एंड शेल नॉट यूटिलाइज। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब ये अमेंडमेंट के लेक्चर और अमेंडमेंट के नोट्स आप लेके बैठे हैं तो आप साथ में अपनी बुक लेके बैठना जो कि दिसंबर 2019 एग्जाम के लिए अपडेटेड थी, जिसमें 30 जून 2019 तक अमेंडमेंट ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है, तब जाके आप कुछ चीज बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। मैंने पहले स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में बोल दिया था, मैं प्रिजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि 30 जून 2019 तक का मटेरियल आपके पास है, उसके बाद वो बुक लेके जो दिसंबर 2019 के लिए एग्जाम के लिए थी, पब्लिश हुई थी, वो बुक आपके पास है, उसमें जैसे मैं बता रहा हूँ उसके साथ नोट्स और नोट्स मिला के तो आपको सारे अमेंडमेंट्स क्लियर हो जाएंगे। क्या लिखा, डिलीशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सेकंड पैरा, दो पैरा है रेगुलेशन 78 के अंदर, एंड शेल नॉट यूटिलाइज द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एनी पर्पज इंक्लूडिंग रिनाउंसिएशन इवन इफ इट रिसीव सब्सिक्वेंटली। तो पहला सेंटेंस है उसमें लास्ट के सारे वर्ड डिलीट हो गए। इसका मतलब क्या है, अगर बाद में एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाता है, आपने पहले प्लेन पेपर अप्लाई किया राइट इशू में, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पहले इस्तेमाल करना अलाउड नहीं था। एक आपका रेगुलेशन नंबर 87, इसमें एक अमेंडमेंट है,
ये तीसरा हो गया था, अब ये चौथा अमेंडमेंट, ये भी राइट इशू में, रेगुलेशन नंबर 87, ये भी राइट इशू में, रेगुलेशन नंबर 87 आपका जो दे रखा है पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन, पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन यहां लिखा हुआ है कि सब जो ऑलरेडी बुक में लिखा हुआ है, द राइट इश्यू शैल बी केप्ट ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 15 डे एंड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड 30 डे, बता रहा हूं 15 दिन से कम नहीं और 30 दिन से ज्यादा नहीं। इसमें लास्ट में जहां सेंटेंस खत्म हो रहा उसमें एक चीज और एड हो गई, एंड नो विड्रॉल एप्लीकेशन शैल बी परमिटेड आफ्टर द इशू ओपनिंग डेट, सॉरी इशू क्लोजिंग डेट, सॉरी। इसका था जैसे मान लिया एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लिया ये इशू ओपनिंग है, राइट इशू ओपनिंग डेट है और ये इशू क्लोजिंग डेट है, जो कि आप जानते हैं 15 से 30 दिन के बीच में, 15 दिन से कम नहीं और 30 दिन से ज्यादा नहीं, जो भी है मान लिया 20 दिन या 22 दिन जो भी है, मान लिया किसी ने यहां अप्लाई किया तो अगर उसको विड्रॉ करना तो यहां कहीं कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इश्यू क्लोजिंग डेट के बाद विड्रॉ नहीं करेंगे। अच्छा पहले क्या था कि इसके ऊपर लॉ में क्लैरिटी नहीं थी, तो कई कोई लोग यहां क्लोज करते थे, सॉरी विड्रॉ करते, कोई यहां करते थे। अब इन्होंने क्लैरिटी दे दी कि भैया 15 से 30 दिन का बीच का पीरियड होगा, 15 दिन से कम नहीं होगा, 30 दिन से ज्यादा नहीं होगा, जो भी कंपनी फिक्स करना चाहे, और किसी को अगर विड्रॉ करना अपनी एप्लीकेशन अप्लाई किया जाए, यहां अप्लाई किया तो आप विड्रॉ कर सकते हैं, बट बिफोर द इश्यू क्लोजिंग डेट, नॉट आफ्टर दैट। एंड इसे लास्ट में दो चार वर्ड्स ऐड हो गए, नो विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन शैल बी परमिटेड, मतलब एप्लीकेशन शैल नॉट बी परमिटेड टू विड्रॉन आफ्टर द इश्यू क्लोजिंग डेट। इसका तो विड्रॉ नहीं, मतलब इससे पहले अप्लाई किया उससे पहले आपको विड्रॉ करना अपनी एप्लीकेशन को, विड्रॉ कर सकते हैं। इधर ओके, अब मैं एक अमेंडमेंट और बता रहा हूं सेम ICDR रेगुलेशन के अंदर ही, इन द बोनस इशू। बोनस इशू ऑफ शेयर्स आप जानते हैं वहां तो एक ही पेज का टॉपिक है, उसमें आई थिंक 9 पॉइंट्स है, तो लास्ट में पॉइंट नंबर 10 ऐड हो जाए एक्स्ट्रा, उसमें एक ही अमेंडमेंट है इन द ICDR रेगुलेशन बोनस इशू में, उसमें 9 पॉइंट्स आपको दे रखें कि सब सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन कंपनी बोनस इशू ला सकती है, उसमें लास्ट में ये भी एस आर इक्विटी शेयर्स है, पॉइंट नंबर 10 ये लास्ट में ऐड हो जाएगा द लास्ट। वो देखिए क्या लिखा हुआ, इफ एन इश्यूअर हैज इश्यूड एस आर इक्विटी शेयर्स, इफ एन इश्यूअर हैज इश्यूड एस आर इक्विटी शेयर्स टू इट्स प्रमोटर्स और फाउंडर्स, अगर आपने मान लिया कंपनी एक्स लिमिटेड ये आपको बोनस इशू ला रही है और इसने अगर अपने प्रमोटर या फाउंडर क्या इशू करके एस आर इक्विटी, देखो ये भी बाय एंड लार्ज मैंने सारे चेंजेस एस आर इक्विटी शेयर रिलेटेड है, एनी बोनस इशू ऑन द एस आर इक्विटी। अच्छा देखिए ये कंपनी बोनस इशू ला रही है तो बोनस यू आप फ्री में शेयर देते हैं, इस अदर इस एसआर इक्विटी शेयर के बेसिस पे आप और एसआर इक्विटी शेयर इनको इशू होंगे। इफ एन इश्यूअर इशू एसआर इक्विटी शेयर टू इस प्रमोटर फाउंडर, एनी बोनस यू ऑन द एसआर इक्विटी शेयर सेल कैरी द सेम रेशियो वोटिंग राइट्स कंपेयर टू, इसका मतलब क्या है, बोनस शेयर भी इस बंदे को जो मिलेंगे वो भी एसआर इक्विटी शेयर मिलेंगे और उस पर भी वोटिंग राइट वैसा ही होगा जैसे ऑर्डनरी शेयर के कंपेरिजन में इसकी है, मान ली इनके वोटिंग राइट ऑर्डनरी इक्विटी शेयर से दो गुना है, इसका क्या होगा, बोनस शेयर जो इस बंदे को मिलेंगे उसके भी आपको वोटिंग राइट दो गुना होंगे इन कंपेरिजन टू ऑर्डनरी इक्विटी शेयर। देखिए सेल कैरी द सेम रेशियो वोटिंग राइट कंपेयर टू ऑर्डनरी शेयर एंड एसआर इक्विटी शेयर, सॉरी एंड द एसआर इक्विटी शेयर इशूड इन अ बोनस इशू शैल ऑल्सो बी कन्वर्टेड टू इक्विटी शेयर हैविंग द वोटिंग राइट सेम एज दैट ऑफ ऑर्डनरी इक्विटी शेयर अलॉन्ग विद द, मतलब जब ये पहले से एग्जिस्टिंग एसआर इक्विटी शेयर है ये फ्यूचर में बता रहे सनसेट क्लॉज होगा कितने टाइम बाद ये ऑर्डनरी इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा, जब ये कन्वर्ट होगा तो साथ में जो बोनस इशू में आपको नए एसआर इक्विटी से इशू है वो भी कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू द इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट, और जो बोनस इशू में जो शेयर आपको मिल रहे हैं उस पर भी वोटिंग राइट सेम रेशियो में होगा जैसे कि पहले से आपके एसआर, अगर पहले आपको दो गुना है तो बोनस इशू में जो आपको इशू वो भी दो गुना होंगे वोटिंग राइट, अगर पहले तीन गुना तो ये भी तीन, पर दो गुना से दस गुना के बीच में कुछ हो सकता है ये भी सेम होंगे, और फ्यूचर में जब इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट में कन्वर्ट होंगे तो जो बोनस शेयर जो आपको नए इशू हो वो भी एसआर इक्विटी शेयर वो भी किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे एसआर सॉरी इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट्स। ये एक छोटा सा पॉइंट है इन द बोनस इशू अगेन रिलेटिंग टू एसआर इक्विटी शेयर जो लास्ट में एक एडिशनल कंडीशन में डाल दिए, क्योंकि तब है कि अगर आपकी आप बोनस इशू ला रहे हो आपके पहले से आपने फाउंडर्स या प्रमोटर का इशू कर रखा है एसआर इक्विटी शेयर, अगर नहीं इशू करा फिर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। ये लास्ट में 9 कंडीशन थी, 10 कंडीशन हमने लास्ट में ये ऐड कर दिए, ठीक है। तो इसके साथ मैंने सारे अमेंडमेंट्स बता दिए विच आई हैव बीन मेड इन द सेबी ICDR रेगुलेशन 2018
and between 1st July 2019 to 31st December 2019 relevant for June 2020 exam. अब मैं आ रहा हूँ, मैंने तो सर दो जगह अमेंडमेंट बताया था, एक आपको ICDR regulation जो मैंने सारा बता दिया. Now I move on to the amendments in SEBI LODR regulation. उस लॉ में क्या अमेंडमेंट्स है वो बता रहा हूँ. बताए दो जगह मेजर अमेंडमेंट है, एक ICDR और एक LODR. अमेंडमेंट इज सेबी LODR रेगुलेशन 2015. अगेन मैंने बताया तीनों पेपर के लिए रेलेवेंट है. देखिए सिक्योरिटी लॉ कैपिटल मार्केट न्यू सिलेबस, इसमें ये चैप्टर नंबर 5 है. ये चैप्टर नंबर 5 नंबर 2 CMSL कैपिटल मार्केट का ओल्ड सिलेबस, इसमें ये चैप्टर नंबर 7 है जो लिस्टिंग एग्रीमेंट के नाम से वहां चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7. नंबर 3 कॉर्पोरेट फंडिंग वाले पेपर में जो न्यू सिलेबस प्रोफेशनल प्रोग्राम, वहां पे ये आपका चैप्टर नंबर 13 है. पेज नंबर मैंने बताया, मैं लेक्चर में नहीं बोलता कि कंफ्यूजन हो जाएगी. हाँ नोट्स मैंने बताया, इसके नोट्स अलग मिलेंगे, इसके अलग कंटेंट सेम होंगे लेकिन सब में पेज नंबर अलग होंगे जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो. तो ये अमेंडमेंट से भी LODR रेगुलेशन, SLCM चैप्टर 5, CMSL चैप्टर 7, कॉर्पोरेट फंडिंग चैप्टर नंबर 10. टॉपिक सेम है तीनों, इन तीनों चैप्टर के अंदर टॉपिक जो कवर्ड है सेबी LODR रेगुलेशन. अब देखिए इसमें क्या चेंजेस हैं, क्या अमेंडमेंट्स हैं इन सेबी LODR रेगुलेशन. देखिए सबसे पहले एक आपको टॉपिक दे रखा बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट BRR. बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट रेगुलेशन नंबर 34. आपने उसमें पढ़ा है कि सब कंपनी जो अपनी एनुअल रिपोर्ट तैयार करती है एज अ पार्ट ऑफ द एनुअल रिपोर्ट, उनको एक रिपोर्ट और तैयार करना था बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट. और ये जो बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट है इट इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर नॉट बाय एवरी कंपनी, ओनली टॉप 500 लिस्टेड एंटिटी एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन एज ऑन 31st मार्च. पता ना जो सिर्फ 500 टॉप कंपनीज है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, उनको ही भी रिक्वायरमेंट है, सभी लिस्टेड कंपनी भी रिक्वायरमेंट नहीं है. अब यहां पे इन्होंने चेंज जो आया, अमेंडमेंट जो आ गया है, ये पहला अमेंडमेंट था, 500 को कट करके 1000 कर दिया. इसका अर्थ क्या है, नाउ टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन एज ऑन 31st मार्च दे आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर दिस रिपोर्ट BRR एंड विच विल पार्ट ऑफ द एनुअल रिपोर्ट. इसका अर्थ नाउ मोर कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ मेकिंग द दिस रिपोर्ट. पहले टॉप 500 कंपनीज को इससे भी रिक्वायरमेंट थी, अब क्या हो गया, रिक्वायरमेंट चेंज करके टॉप 1000 कर दिया. इसका मतलब क्या है, जो टॉप 500 तो है ये प्लस 500 और ऐड हो गई, एंड इसका तो 500 जो लिखा हुआ था आपके बुक में उसकी जगह क्या हो गया, टॉप 1000 हो गई. नाउ टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन एज ऑन 31st मार्च दे आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर दिस रिपोर्ट कॉल्ड बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट. एक ये छोटा सा अमेंडमेंट रेगुलेशन 34 के अंदर है. फिर आपका आपका रेगुलेशन 40 जो है और रेगुलेशन 42. रेगुलेशन 40 जो है सर्टिफिकेट रिगार्डिंग डिस्पैच ऑफ सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, रेगुलेशन 42 है बुक क्लोजर रिकॉर्डेड. इन दोनों रेगुलेशन 40 एंड 42 के बीच में एक नया रेगुलेशन ऐड हुआ, रेगुलेशन नंबर 41 है. रेगुलेशन नंबर 41A. देखिए रेगुलेशन नंबर 41A मतलब इट इज आफ्टर, दूसरा अमेंडमेंट है
आफ्टर रेगुलेशन 40 एंड बिफोर रेगुलेशन 42। यहां पे एक नया रेगुलेशन आ गया, रेगुलेशन नंबर 41A, नंबर से पता लगा अमेंडमेंट से 41A। और ये रेगुलेशन 41A अगेन इट इन कनेक्शन विद द एसआर इक्विटी शेयर्स। पता ना मैक्सिमम अमेंडमेंट किससे रिलेटेड? एसआर इक्विटी शेयर्स, स्पेशल राइट इक्विटी शेयर्स या इक्विटी शेयर सुपीरियर वोटिंग राइट्स, रेगुलेशन नंबर 41A। देखिए रेगुलेशन नंबर 41A जो पूरा है मैं पढ़ता जाता हूँ आगे करके समय से, तो एसआर इक्विटी शेयर के बारे में मैंने बहुत कुछ बता दिया, बट उससे रिलेटेड रेगुलेशन 41A में क्या दे रखा है दैट आई एम गोइंग डिस्कस। देखिए रेगुलेशन नंबर 41A जो नया रेगुलेशन ऐड हो गया, प्रोविजंस रिलेटिंग टू एसआर दैट इज स्पेशल राइट्स इक्विटी शेयर्स, अच्छा वहां तो हमने पढ़ा था सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस, तो सेबी आईसीडीआर आईपीओ ला रहे हैं और पहले से आपने एसआर इक्विटी शेयर फिर एफपीओ फिर राइट इशू बोन सब जगह इफेक्ट आ दिया। अब आप पब्लिक इशू ले आए, लिस्टेड हुए, लिस्टेड होने के बाद बिटवीन द कंपनी एंड द स्टॉक एक्सचेंज एक लिस्टिंग एग्रीमेंट, और लिस्टिंग एग्रीमेंट के अंदर आपको वन ऑफ द लिस्टिंग एग्रीमेंट आप जानते हैं सब एलओडीआर रेगुलेशन गवर्न होता है, तो उसमें आएगा ना कि अब आपको क्या क्या चीज का ध्यान रखना है कि आपने अगर एसआर इक्विटी शेयर इशू कर रखे थे अब आप पब्लिक इशू है आप लिस्टेड हो गए तो क्या क्या चीज का ध्यान रखना है, क्या लिखा हूं। द एसआर इक्विटी शेयर शैल बी ट्रीटेड एट पार विद द ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर इन एवरी रेस्पेक्ट इंक्लूडिंग डिविडेंड। याद है बताया था एक बार आप लिस्टेड हो गए उसके बाद आपको डिविडेंड में भी कोई डिफरेंस होगा, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ वोटिंग ऑन रेजोल्यूशन। मतलब क्या है, सिर्फ कहां पे डिफरेंस आ सकता राइट्स में, वोटिंग राइट्स में, जब रेजोल्यूशन पे वोटिंग करेंगे वहां पे डिफरेंस आ सकता है, वोटिंग राइट में सुपीरियर राइट्स होंगे, बाकी आपके जो एसआर इक्विटी शेयर्स होंगे स्पेशल राइट और इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट्स, इन दोनों के सारे राइट्स सब सेम होंगे, डिविडेंड भी सेम होगा, ओनली डिफरेंस क्या हो सकता है वोटिंग राइट्स ऑन द रेजोल्यूशन दैट इज द सुपीरियर वोटिंग राइट, अगला इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं कोई। याद है मैंने बताया था डिविडेंड राइट पहले तो हो सकते हैं जब तक आप पब्लिक इशू लाते हैं, एक बार लिस्टेड होने का डिविडेंड राइट में भी कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। इज इट ओके? सेकेंड क्या लिखा हुआ, इट मींस दैट सिर्फ आपको वोटिंग राइट्स के अंदर सुपीरियर वोटिंग राइट, बाकी इसके अलावा मैंने पहले बताया डिविडेंड राइट्स में पहले हो सकता है आईपीओ लाने से पहले बट बाद में, क्योंकि अभी तो हम लिस्टिंग एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं तो ये तो आईपीओ की बात है। अब आपके जो भी पहले से भी अगर इशू हो रखे थे उन पे सिर्फ एक ही चीज में फर्क हो सकता है दैट इज द वोटिंग राइट्स, इसके अलावा उसके सारे राइट्स सेम होंगे एदर द इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट्स। द वोटिंग द टोटल वोटिंग राइट्स ऑफ एसआर शोल्डर इंक्लूडिंग ऑर्डिनरी शेयर्स, मतलब कंपनी के जो एसआर शोल्डर हैं उनके पास जो स्पेशलाइज इक्विटी शेयर्स हैं एंड प्लस इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट्स, हो सकता है उनके ये भी कुछ शेयर्स हैं कुछ ये हों, हम उन शोल्डर को एसआर शोल्डर बोल रहे हैं, उनके जो टोटल आपके सारे एसआर शोल्डर जितने भी कंपनी के एसआर शोल्डर एक पर्टिकुलर कंपनी के मालिक समेत जितने टोटल एसआर शोल्डर हैं उनके पास जितना स्पेशलाइज इक्विटी शेयर जितना ये इन सबका मिला के वोटिंग राइट कंपनी के टोटल इक्विटी कैपिटल के 74% मतलब लेस देन इक्वल टू 74% of total voting rights on all the equity shares. The total voting rights of SR shareholder including ordinary share in the issuer, that is this company, upon listing pursuant to an IPO shall not at any point of time exceed 74%. मैं मतलब कंपनी की कैपिटल पेड अप इक्विटी कैपिटल का मैक्सिमम 74% SR shareholder के पास हो सकता है दोनों मिला के उनके SR equity share as well as equity share with equal rights. अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था इसी चीज का इफेक्ट कंपनीज एक्ट में भी आ गया है। कंपनी एक्ट में पहले हम अलग लिमिट लगाते हैं 26% की ऑल दैट, अब चेंज करके दूसरे तरीके से कैलकुलेशन करेंगे वहां भी 74% यही बात आ गई। मैंने बताया सब दोनों चीज को अलाइन किया गया है कंपनी एक्ट को एंड द कैपिटल मार्केट लॉज को। नाउ नेक्स्ट ये बात बोल रहा है, ये पॉइंट पहले भी आया था आईसीडीआर रेगुलेशन में आया था उसी को यहां एलोबरेट किया हुआ है। ये बोला है कि जो एसआर इक्विटी शेयर्स हैं स्पेशल राइट इक्विटी शेयर्स ऑल्दो इनके वोटिंग राइट्स में सुपीरियर वोटिंग राइट्स होगा बट सब मैटर्स कुछ मैटर्स में
इनके वोटिंग राइट्स सेम होंगे एज दैट ऑफ इक्विटी शेयर विथ इक्वल राइट्स. वो लिस्ट दे रखी ऐसे कौन सा मैटर्स हैं जिनमें इनके राइट्स भले ये सेम पॉइंट आईसीडी रेगुलेशन में आया था कि सब कुछ मैटर में आपको उनके राइट्स सेम भी हो सकते हैं, तो वही चीज यहां लिखी हुई है. तो कुछ ऑल दो ये स्पेशल राइट्स इक्विटी शेयर्स हैं बट हर चीज में इनके वोटिंग सुपीरियर नहीं होंगे. कुछ चीजों में इनके वोटिंग राइट्स सेम होंगे एज दैट ऑफ द इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट्स, एंड बाकी सब चीजों में इनके मतलब जिन चीजों में सेम होंगे वो तो लॉ में लिखा हुआ है, उसके अलावा आप सुपीरियर वोटिंग राइट दे सकते हैं. देखिए वो भी सिर्फ वोटिंग राइट्स में, सुपीरियरिटी और किसी में नहीं. द एसआर इक्विटी शेयर्स शैल बी ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स इन टर्म्स ऑफ वोटिंग राइट्स, दैट इज वन एसआर शेयर शैल हैव ओनली वन वोट इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज. मतलब नीचे लिस्ट दे रखी है, इनमें इनके वोटिंग राइट सेम होंगे एज द ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर. इसका इसके अलावा और चीजों पर उनके वोटिंग राइट सुपीरियर होंगे इन कंपेरिजन टू द ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर. पहला अपॉइंटमेंट और रिमूवल. अपॉइंटमेंट रिमूवल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड ऑब्लिक और ऑडिटर. अगर कंपनी के ऑडिटर को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना, रिमूव, उससे रिलेटेड को रेजोल्यूशन पास होना है, उस पर इनके वोटिंग राइट सेम होंगे एज दैट ऑफ द ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर. वेर प्रमोटर विलिंगली ट्रांसफरिंग कंट्रोल टू अनदर एंटिटी, खुद ही अपना ट्रांसफर करा, सेल करा किसी और को, मैंने साहब कंट्रोल रिटेन करने के लिए सारा कुछ किया गया था, तो वहां स्पेशल वोटिंग राइट क्यों होंगे, वहां नहीं होंगे. रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ दीज रेगुलेशन इन्वॉल्विंग इन एसआर शोल्डर. अगर आप एक एसआर शोल्डर दूसरे एसआर शोल्डर को कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है उससे रिलेटेड कोई रेजोल्यूशन पास हो रहा है, सेम वोटिंग राइट. वॉलेंट्री वाइंडिंग ऑफ द लिस्टेड एंटिटी, आप वॉलेंट्री वाइंडिंग आप जानते हैं, उसका रेजोल्यूशन पास हो रहा है, उसके ऊपर वोटिंग राइट इनका सेम होंगे. चेंजेस टू द आर्टिकल्स ऑफ मेमोरेंडम एसोसिएशन ऑफ द लिस्टेड एंटिटी एक्सेप्ट एनी चेंज अफेक्टिंग द एसआर इक्विटी शेयर. अगर आपको चेंज एफएसआर इक्विटी शेयर रिलेटेड कर रहे हैं अलग बात है, बाकी मेमोरेंडम आर्टिकल में कोई ऑल्टरेशन कर रहे हैं उससे रिलेटेड रेजोल्यूशन पास होगा, सेम वोटिंग राइट्स एज द ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर. इनिशिएशन ऑफ वॉलंटरी रेजोल्यूशन प्रोसेस अंडर इंसॉल्वेंसी कोड. आप जानते हैं एक लॉ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, उसके अंदर अगर हम कोई इंसॉल्वेंसी लेने प्रोसेस कमेंस करना था, इनिशिएट करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड आपको रेजोल्यूशन जो पास होता है अगेन उसमें सेम वोटिंग राइट्स होंगे. यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स फॉर पर्पसेस अदर देन बिजनेस. अगर कंपनी के फंड्स को बिजनेस के अलावा किसी और चीज में यूज करना है, उसके लिए अगर कोई रेजोल्यूशन पास होता है, अगेन वोटिंग राइट्स एसआर इक्विटी शेयर के सेम होंगे एज दैट ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर. सब्सटेंशियल वैल्यू ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन मटेरियलिटी थ्रेशोल्ड एज स्पेसिफाइड अंडर. आपको याद होगा इसके अंदर आप एक कंसेप्ट पढ़ते हैं कि कुछ ट्रांजेक्शन होते हैं जो मटेरियलिटी के आधार पर उसकी सब्सटेंशियलिटी निकाली जाती है, उससे रिलेटेड को रेजोल्यूशन पास होता है, सेम वोटिंग राइट. पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन इन रिस्पेक्ट डी लिस्टिंग ऑफ बायबैक. अगर वो कंपनी डी लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी करती है उसके लिए जो एसआर पास होना है, या बायबैक करती है उसके लिए जो एसआर, उस पर वोटिंग राइट सेम होंगे. अदर सर्कमस्टेंसेस और सब्जेक्ट मैटर एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड मीन सेबी फ्रॉम टाइम टू टाइम. फ्यूचर में अगर सेबी और भी कुछ मैटर बताता है कि साहब इनमें भी इनके वोटिंग राइट सेम होंगे तो उन पे भी होगा, ये ओपन एंडेड पावर सेबी के फ्यूचर में और भी चीजें हो सकती हैं. अब आगे देखिए, यही रेगुलेशन नंबर 41 ही हमारा चल रहा है. एक आपको बताया टाइम बेस्ड सनसेट क्लॉज. अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि जो एसआर इक्विटी शेयर होते हैं वो हमेशा के लिए एसआर इक्विटी शेयर नहीं होते, कुछ समय के बाद वो दे विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर और इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट. तो एक टाइम के बाद आपको वो कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वो टाइम कितना है, तो उसको नाम है टाइम बेस्ड सनसेट क्लॉज. वो क्या, देखिए, द एसआर इक्विटी शेयर शैल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर हैविंग द वोटिंग राइट सेम एज दैट ऑर्डिनरी शेयर्स. आ गया ना, मतलब उसी तरह के इक्विटी शेयर कन्वर्ट हो जाएंगे जो ऑर्डिनरी इक्विटी. ऑन द फिफ्थ एनिवर्सरी ऑफ द लिस्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी शेयर ऑफ द लिस्टेड एंटिटी. मतलब क्या हुआ, जिस दिन ऑर्डिनरी शेयर लिस्ट, मतलब हम याद है मैंने बताया आईपीओ तो हम ऑर्डिनरी शेयर कहलाते हैं, आईपीओ कभी भी एसआर इक्विटी शेयर कहलाते हैं. एसआर इक्विटी शेयर तो खाली प्रमोटर फाउंडर को दिया हमने पास. जिस दिन हमने आईपीओ लाए थे ऑफ द ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट्स ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर, और इसकी लिस्टिंग हुई थी, जिस दिन इससे 5 साल पूरे हो गए, इस इक्विटी शेयर इक्वल राइट्स की लिस्टिंग है 5 साल, उसके 5 साल पूरे होते उस दिन ही वो सारे पहले से जो एसआर इक्विटी शेयर इशू हो रखे हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर. लेकिन प्रोवाइडेड दैट द एसआर इक्विटी शेयर मे बी वैलिड फॉर टू एडिशनल 5 ईयर्स आफ्टर रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट हैज बीन पास वेयर द एसआर शोल्डर हैव नॉट परमिटेड टू वोट. मतलब क्या है, पहले 5 साल के लिए ये रह सकते हैं, 5 साल के बाद ये कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर, लेकिन 5 ईयर्स मान लीजिए पूरे हो गए होने वाले हैं, अगर एक ओआर पास हो जाए शोल्डर का, उस ओआर में ये डिसाइड किया जाए कि साहब इसको हम अगले 5 साल और चला सकते हैं प्लस 5 ईयर्स मोर, और उस ओआर के अंदर एसआर इक्विटी शोल्डर पार्टिसिपेट ना करेगा,
बायसनेस वो ना एलिमेंट और उन्हीं को राइट्स की आपके स्पेशल राइट्स चलते रहेंगे सुपीरियर वोटिंग नहीं अगले 5 साल तक और उस ओआर पास करने में ये वोटिंग नहीं करेंगे मतलब द स्पेशल राइट इक्विटी शोल्डर विल नॉट पार्टिसिपेट इन वोटिंग उनके अलावा बाकी शोल्डर अगर ओआर पास कर देते हैं इस बात पे कि साहब ये कंटिन्यू रहेंगे अभी ये कन्वर्ट नहीं होंगे और 5 साल तक इनको और सुपीरियर वोटिंग राइट चलेगा तो आपका 5 ईयर्स फिर 5 साल और चल सकता है एडिशनली 5 ईयर बट सब्जेक्ट टू कंडीशन ऑफ पासिंग दिस एसआर बट सॉरी ओआर बट इस रेजोल्यूशन जब पास होगा उसमें वो शोल्डर पास पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वो आर होल्डिंग द स्पेशल बिकॉज उन्हीं को बेनिफिट देने के लिए रेजोल्यूशन पास हो रहा है और वो खुद ही पार्टिसिपेट डोंट डू एलिमेंट ऑफ बायसनेस होगा लेकिन एक चीज बताइए अगर हम समय से पहले कन्वर्ट कराना चाहें ये तो लॉ बोला कि इसके बाद तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा नॉर्मली आफ्टर 5 ईयर प्लस हम 5 ईयर एक्सटेंड कर सकते सब्जेक्ट टू दिस उससे पहले तो करा सकते हैं हम अच्छा पहले आप कन्वर्ट करा रहे हैं एसआर इक्विटी शेयर्स को इनटू ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर इसका था आपने राइट्स को जो सुपीरियर वोटिंग राइट्स को छोड़ रहे हैं डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर राइट तो आपका वो तो अपनी मर्जी से आप कभी भी कन्वर्ट करा सकते हैं पहले बट इतने टाइम के बाद तो कंपल्सरी कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर देखिए क्या लिखा प्रोवाइडेड फर्दर दैट एसआर शोल्डर्स मे कन्वर्ट द एसआर इक्विटी शेयर इनटू ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर एट एनी टाइम प्रायर टू द पीरियड स्पेसिफाइड इन दिस सब रेगुलेशन मतलब ऊपर जो बात कही गई है इससे कि साहब 5 साल या मैक्सिमम नेक्स्ट प्लस 5 ईयर्स हो सकता है इससे पहले कभी भी वो चाहें तो अपनी मर्जी से आपको कन्वर्ट तो उसमें क्या दिक्कत है हम तो मैक्सिमम अलाउ करेंगे यहां तक आपको सुपीरियर वोटिंग राइट हो सकता है बट उससे पहले छोड़ना छोड़ दीजिए दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर राइट इसको होता है टाइम बेस्ड एक समय के बाद आपका एसआर इक्विटी शेयर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर इसे नाम सनसेट हो जाएगा मतलब उसका खत्म कंसेप्ट खत्म हो जाएगा नाम है टाइम बेस्ड सनसेट क्लॉज अब एक आपका इवेंट बेस्ड सनसेट मतलब कुछ इवेंट्स रखिए इन इन चीजों पे होने पे आपका एसआर इक्विटी शेयर विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट्स या ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर तो इनको बोलते हैं इवेंट बेस्ड मतलब ये किसी टाइम से लिंक नहीं है ये चीजें होने पे आपका तो कह सकते हैं टाइम जो है हमने पढ़ा अभी जो 5 ईयर्स प्लस आए और इवेंट दोनों में से जो भी अर्लियर हो जाए वो सर टाइम पीरियड पूरा नहीं उससे पहले कुछ इवेंट्स हो गई जो सनसेट क्लॉज के इवेंट्स हैं तो उस केस में वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर इसको बोलते हैं इवेंट बेस्ड सनसेट क्लॉज इवेंट बेस्ड सनसेट क्लॉज ये क्या देखिए एसआर इक्विटी शेयर शैल बी कंपल्सरली कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर हैविंग द वोटिंग राइट्स सेम एज दैट ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स ऑन द अकरेंस ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट मतलब अगर इनमें से कोई भी इवेंट अकर होती है तो ऑटोमेटिकली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी शेयर विद इक्वल है तो कैसे तो टाइम पीरियड जो हमने पढ़ा था 5 ईयर्स प्लस इट कैन बी एक्सटेंडेड बाय नेक्स्ट 5 ईयर और ये इवेंट दोनों में जो भी पहले हो जाए वहां आपको एसआर इक्विटी शेयर विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट्स या ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर कौन कौन से इवेंट दे रखे हैं जिनके होने पे आपको सनसेट क्लॉज ऑपरेट कर जाएगा नंबर 1 ए डिमाइस ऑफ द प्रमोटर और फाउंडर होल्डिंग सच शेयर कंपनी का जो भी प्रमोटर और फाउंडर जो एसआर इक्विटी शेयर होल्ड कर रहा था मान ली एक्स लिमिटेड कंपनी थी इसका को प्रमोटर फाउंडर पी ये होल्ड इसकी अगर डेथ हो जाए डिमाइस में डेथ हो जाए तो उसकी डेथ ही हो गई तो उस केस में अब उसको एसआर इक्विटी शेयर क्यों चाहिए तो वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट किस हो जाएंगे मतलब ट्रांसमिशन ऑफ शेयर इसका जो होगा इसके लीगल हायर को इट विल बी ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर मतलब ये कन्वर्ट हो जाएंगे नेक्स्ट ट्रांसमिशन तो बाद में होगा पहले दे विल बिकम द ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर एंड एसआर शोल्डर रिजाइंस फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव पोजीशन इन द लिस्टेड एंटिटी ये जो एसआर शोल्डर है अगर इस कंपनी से एग्जीक्यूटिव पोजीशन रिजाइन कर दे अभी थोड़ी देर पहले हमने आईसीडीआर रेगुलेशन पढ़ा था कि साहब वो पढ़ा एग्जीक्यूटिव पोजीशन होना चाहिए अच्छा एग्जीक्यूटिव पोजीशन पहले तो था लेकिन बाद में एग्जीक्यूटिव पोजीशन रिजाइन कर दिया नाउ ही बिकम्स ओनली नॉन एग्जीक्यूटिव लॉ बोलता है जैसे ऐसा होगा उसके क्या होगा व्हाट विल हैपन उसके एसआर इक्विटी शेयर किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे इन द ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स नेक्स्ट मर्जर और एक्विजिशन लिस्टेड एंटिटी हैविंग एसआर शोल्डर वेयर द कंट्रोल वुड नो लॉन्गर रिमेन जैसे मान ली एक कंपनी एक्स लिमिटेड और उसका प्रमोटर पी है या फाउंडर एफ है और इसके पास एसआर इक्विटी शेयर्स है ये कंपनी किसी वाई लिमिटेड के साथ मर्ज हो गई मर्जर के बाद इसका इस कंपनी के अंदर कोई कंट्रोल नहीं है कंट्रोल किसी और को पास हो गया तो फिर आपको एसआर इक्विटी शेयर क्यों चाहिए इन दैट केस वाई द कंट्रोल नो लॉन्गर रिमेन मतलब इसके बाद नहीं रहेगा ये कंपनी तो खत्म हो गई इसका बिजनेस यहां कंबाइन हो गया और इस कंबाइंड बिजनेस में इसका कंट्रोल नहीं है इन दैट केस वाई डू यू नीड द एसआर इक्विटी शेयर तो उससे एसआर इक्विटी शेयर विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स देखिए सर इवेंट्स जरा कि इन इवेंट्स पे होने पे ऐसा हो जाएगा लास्ट द एसआर इक्विटी शेयर्स आर सोल्ड बाय एन एसआर शोल्डर
who continues to hold such share after the lock-in period, but prior to the lapse of the validity of such SR equity share. What does this mean? मान ली कंपनी एक्स लिमिटेड, जैसे ए वाज एसआर इक्विटी शोल्डर, ये इसको होल्ड, इस पर ज्यादा भी पढ़ा लॉक इन पीरियड भी होता है, मान ली लॉक इन पीरियड खत्म हो गया, लॉक इन पीरियड खत्म हो गया, नाउ इफ ए वांट्स टू सेल इट ही कैन सेल इट, तो लॉ बोलता है अगर लॉक इन पीरियड खत्म हो गया लेकिन अभी भी स्पेशलाइज चल रहा है, मतलब सनसेट क्लॉज अभी टाइम होता है टाइम बेस्ड, वो अभी अपोरेट नहीं किया, अभी भी ये एसआर स्पेशलाइज चल रहे हैं, सुपीरियर वोटिंग राइट चल रहे हैं, अब बंदा ये वाले शेयर किसी बी को सेल कर दे, तो आप खुद ही सेल करें, इसका मतलब क्या हुआ, आपको कंट्रोल नहीं चाहिए, खुद ही छोड़ रहे हैं शेयर, ठीक है, तो लॉ बोलता है लॉक इन पीरियड खत्म हो गया बट अभी भी आपका सनसेट क्लॉज ऑपरेट नहीं किया, टाइम वेस्ट, मतलब अभी भी सुपीरियर वोटिंग राइट है, अगर वो सेल कर देता है, जैसे सेल करेगा क्या होगा, लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद बेच तो सकते हैं, ये अब एसआर इक्विटी शेयर जो बी को मिलेंगे दे विल बिकम द ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर एंड वो किसमें कन्वर्ट इन द ऑर्डिनरी इक्विटी, देखिए लिखा SR equity shoulder as equity shares are sold by an SR equity shoulder who continues to hold such share after the lock-in, मतलब lock-in period फिर भी hold कर रहा है, but prior to the lapse of validity, मतलब अभी तक उसकी special rights वाली validity अभी lapse नहीं हुई, of such SR equity share, उससे पहले अगर sell करता है, after the lock-in but before the sunset clause operate, time based, तो उस केस में वो जैसे sell करेगा, ये SR equity share किसमें convert हो जाएंगे, in the ordinary equity shares, ये थे event based sunset clause, एक तो टाइम बेस था, एक आपका इवेंट बेस, को सब कुछ रेगुलेशन 41A में दे रखा है, रेगुलेशन 41 में सारी बातें दे रखी है रिलेटिंग टू एसआर इक्विटी शेयर, की एसआर इक्विटी शेयर पे सिर्फ स्पेशल राइट्स वोटिंग राइट्स पे और किसी चीज पे नहीं है, ठीक है, इनके मैक्सिमम वोटिंग राइट 74% हो सकते हैं, एसआर इक्विटी शेयर प्लस जो एसआर इक्विटी शोल्डर ऑर्डनरी इक्विटी शोल्डर उनको सब मिला के 74% ज्यादा नहीं, कुछ चीजों में इनके वोटिंग राइट सेम होंगे एज द ऑर्डनरी इक्विटी शोल्डर, ठीक है, एंड एक टाइम बेस्ड सनसेट क्लॉज और एक इवेंट बेस्ड, सारे इस सब कुछ रेगुलेशन 41A में दे रखा है इन द कॉन्टेक्स ऑफ द एसआर इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो आपका एलओडीआर रेगुलेशन में थर्ड, देखिए दैट इज इन रेगुलेशन 42 बुक क्लोजर एंड रिकॉर्डेड, बुक क्लोजर एंड रिकॉर्ड। अब बुक क्लोजर रिकॉर्डेड जो पढ़ते हैं आपके बुक में जो लिखा हुआ एज इट इज सब कुछ सेम रहेगा, इसमें पॉइंट पढ़ते हैं कि साहब मान लीजिए ये हमारी रिकॉर्ड डेट है या ये बुक क्लोजर की स्टार्टिंग डेट है, इससे कम से कम 7 दिन पहले, और 7 दिन में हम एक्सक्लूडिंग द डेट ऑफ इंटीमेशन एंड द डेट ऑफ द रिकॉर्ड डेट, हम स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करते हैं, पब्लिक को भी थ्रू न्यूज पेपर एडवर्टीजमेंट करते हैं ना 7 दिन पहले, लेकिन अगर हम सब कुछ जो आपने लिखा हुआ बुक में उसे छेड़ना नहीं, लास्ट में एक चीज और ऐड हो जाएगी, अगर राइट्स इशू ला रहे हैं, और आप जानते हैं बुक क्लोजर रिकॉर्डेड कंसेप्ट बोनस इशू में आता है, राइट इशू में आता है, डिविडेंड में आता है, कई जगह आता है, ठीक है, अगर राइट इशू हम ला रहे हैं उससे रिलेटेड हमने बुक क्लोजर रिकॉर्डेड किया या रिकॉर्डेड किया, तो उसमें 7 दिन के बजाय 3 दिन पहले 3 days बिफोर द रिकॉर्डेड इंटीमेशन देनी टू द स्टॉक एक्सचेंज एंड टू द पब्लिक, इस तरह 7 दिन का जो जनरल प्रोविजन वो चलेगा, जैसे अगर हम बोनस इशू ला रहे हैं या हम डिविडेंड ला रहे हैं इंटरिम फाइनल, सब में 7 दिन पहले इंटीमेशन देना है, लेकिन राइट इशू वाला केस है 7 दिन के जगह 3 days हो जाएगा, मतलब प्रोविजन में थोड़ा लास्ट में हमने एक लाइन ऐड कर दी है, ऊपर वाला प्रोविजन सेम चलेगा, 7 दिन खत्म नहीं हो गया, वो है जैसे डिविडेंड है बोनस इशू उसमें 7 दिन पहले इंटीमेशन देना है, लेकिन राइट इशू में इंटीमेशन कितने दिन, एटलीस्ट 3 days बिफोर द रिकॉर्ड डेट, एंड वो 3 days काउंट कैसे करना है, एक्सक्लूडिंग द डेट ऑफ इंटीमेशन, हम इंटीमेशन दे रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज को और जिस दिन आपकी रिकॉर्ड डेट है उन दोनों डेट को एक्सक्लूड, उन्हें काउंट नहीं करना, उन दोनों डेट को हटा के बीच में कम से कम 3 दिन होने चाहिए, तो रादर देन 3 days इट इज सॉरी 7 days इट इज 3 days इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ राइट इशू, बाकी सब केसेस में 7 days चलेगा जो पहले से चल रहा है, इट में देखिए इसका तो जो आपको बुक क्लोजर का रेगुलेशन 42 आपके बुक में वो एडिटी रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है, उसमें लास्ट में एक लाइन ऐड हो जाएगी, इट में भी नोटेड डेट एक अलग पैराग्राफ ऐड हो जाएगा, इट मे बी नोटेड दैट इन द केस ऑफ राइट इशू द लिस्टेड एंट्री शैल गिव नोटिस एडवांस ऑफ एटलीस्ट 3 working days एक्सक्लूडिंग द डेट ऑफ इंटीमेशन एंड द रिकॉर्डेड, तो हमें 3 दिन पहले रादर देन 7 days टू द स्टॉक एक्सचेंज, ये चेंज है, तो कह सकते अब इन द केस ऑफ रिकॉर्डेड इन द कॉन्टेक्स ऑफ राइट इशू अब इंटीमेशन 7 दिन के बजाय 3 दिन पहले भी आप देते हैं, देखो 7 दिन पहले भी दे दो तो कोई वायलेशन नहीं है, एटलीस्ट 3 days हम बोल रहे हैं, लेकिन 3 दिन से भी काम चल जाएगा ओनली इन द राइट इशू, बाकी केस में बोनस डिविडेंड फाइनल डिविडेंड इंट्री उनमें 7 days का कंसेप्ट ही है।
इधर ओके। तो ये आपके सारे चेंजेस जो एलओडीआर रेगुलेशन में थे, एंड आपको मैंने बताया इनके चैप्टर नंबर भी मैंने बता दिए थे, वो मैंने बता दिया। अब आपको जो मैं अमेंडमेंट, ये भी बेसिकली है एलओडीआर रेगुलेशन में ही, लेकिन इसका मैंने अपनी बुक में सेपरेट चैप्टर बना रखा है, और चैप्टर का नाम जानते हैं एलओडीआर रेगुलेशन से रिलेटेड ही है, एक चैप्टर हमने अलग से बना रखा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मेरी बुक में जानते हैं एक अलग से चैप्टर है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, है ये बेसिकली एलओडीआर रेगुलेशन, लेकिन मैंने अलग से एक चैप्टर बना रखा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रोविजन अलग से, विच आर देन एलओडीआर रेगुलेशन बट रिलेटिंग कॉर्पोरेट, उसका एक अलग से आपको दे रखा है ये। फिर मैं चैप्टर नंबर बता देता हूं आपको, इन SLCM सिक्योरिटी लॉ न्यू सिलेबस कैपिटल मार्केट, इट इज चैप्टर नंबर 6। ये मैं बोल रहा था आपका, ये सब सेम टॉपिक है एलओडीआर रेगुलेशन, लेकिन मैंने चैप्टर कॉर्पोरेट गवर्नेंस बना रखा है अलग से अपनी बुक में। तो जो आपका सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट न्यू सिलेबस का पेपर, उसके अंदर ये चैप्टर नंबर आपका 6 है। CMSL जो ओल्ड सिलेबस का पेपर है उसमें ये दिस इज चैप्टर नंबर 8। कॉर्पोरेट फंडिंग जो पेपर था उसमें ये टॉपिक सिलेबस में नहीं है, मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रोविजन वहां पे इस पेपर में सिलेबस में नहीं, इसलिए अमेंडमेंट भी ऑब्वियसली वहां पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो ये वाला जो टॉपिक में कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड जो प्रोविजन है एलओडीआर रेगुलेशन के, उसमें जो अमेंडमेंट है ओनली रिलेवेंट फॉर दीज टू पेपर, SLCM न्यू सिलेबस चैप्टर 6, CMSL ओल्ड सिलेबस चैप्टर नंबर 8। चेंजेस में पहले बता दूं, उसमें चेंजेस क्या किए उन्होंने, आपको देखिए एक मेजर चीज वो भी SR इक्विटी शेयर से रिलेटेड ही है। स्पेशल राइट्स इक्विटी शेयर्स, आप जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रोविजन पढ़ते हैं उसमें जैसे पढ़ते हैं कि सर कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑडिट कमिटी ऑफ डायरेक्टर कंपोजिशन, नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमिटी ऑफ डायरेक्टर कंपोजिशन, ऐसे डिफरेंट शोल्डर रिलेशन कमिटी ऑफ डायरेक्टर कंपोजिशन, इन सभी में कंपोजिशन में कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में आता है कि सब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इतने होने चाहिए, एटलीस्ट सर्टेन नंबर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। वो रिक्वायरमेंट जो है लॉ में है एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन अगर वो कंपनी ने अगर SR इक्विटी शेयर इश्यू कर रखे हैं अपने फाउंडर्स को अपने प्रोमोटर को, तो रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी क्या वो, मतलब मेजर चेंज यही है, मतलब जो प्रोविजन पहले से आपके बुक में लिखे वो एडिटी रहेंगे, सब में ऐड हो जाएगा कि अगर आपकी कंपनी के अंदर SR इक्विटी शेयर इशू हो रखे हैं टू द फाउंडर प्रमोटर, द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इन द ऑडिट कमिटी, इन द नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमिटी, सब जगह जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है रिगार्डिंग द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो बढ़ जाएगी, मतलब वो कंपेटिटिवली भी बढ़ जाएगी हर जगह। देखिए सबसे पहले आपका मतलब एक मेजर मैंने बेस बता दिया क्या है, उसी के हिसाब सारे चेंजेज हैं। सबसे पहले आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो आपका हेडिंग है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसके अंदर एक पैराग्राफ ने ऐड कर दिया एडिशन ऑफ फॉलोइंग न्यू पैरा आफ्टर द फोर्थ पैरा एंड बिफोर द फिफ्थ पैरा, मतलब चौथे पैरा के बाद और पांचवे से पहले। अच्छा नॉर्मली आप पढ़ते हो बोर्ड के कंपोजिशन में कि अगर चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है तो एटलीस्ट 1/3 ऑफ बोर्ड शुड कंप्राइज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और चेयरमैन अगर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जनरल प्रोविजन जो होते हैं जो आपके बुक में पहले से लिखे हुए, एटलीस्ट 1/2 ऑफ द बोर्ड शुड कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट, ये पढ़ते हो आप। अब ये बोल रहा है अगर आपकी कंपनी ने SR इक्विटी शेयर इशू कर रखे हैं तो उस केस में आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिक्वायरमेंट हमेशा 1/2 होगी। इसका तो यहां तो कोई इम्पैक्ट आएगा नहीं, अगर आपका चेयरमैन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है और आपने SR इक्विटी शेयर इशू कर रखे हैं, यानी कि फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि सेम रिक्वायरमेंट है। लेकिन आपका चेयरमैन आपका नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 1/3 है ऑफ द टोटल नंबर डायरेक्टर। लेकिन अगर कोई चेयरमैन नॉन, लेकिन आपने SR इक्विटी शेयर इशू कर रखे हैं
फिर रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट वन थर्ड की बजाय क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, मतलब एटलीस्ट हाफ ऑफ द बोर्ड शुड कम्प्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। देखिए क्या लिखा हुआ, इट जो एक पैराग्राफ एड हो आफ्टर फोर्थ एंड बिफोर फिफ्थ, इट मे बी नोटेड दैट वेयर द लिस्टेड कंपनी इज आउटस्टैंडिंग एसआर इक्विटी शेयर्स स्पेशल आइटम, मतलब ऑलरेडी इशू रखे जो अभी तक कन्वर्ट नहीं हुए इन टू द ऑर्डनरी इक्विटी शेयर, जब तक वो आउटस्टैंडिंग है, कन्वर्ट हो जाएंगे तो बात ही खत्म हो जाएगी, तब ये रिक्वायरमेंट भी जो अलग से रिक्वायरमेंट नहीं अप्लाई होगी। एटलीस्ट हाफ ऑफ द बोर्ड शैल कंप्राइज, मतलब क्या है उस केस में चेयरमैन आपका एग्जीक्यूटिव है नॉन एग्जीक्यूटिव, यहां तो कोई इंपैक्ट आएगा नहीं, यहां तो ऑलरेडी हाफ है, लेकिन अगर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है और आपने ये इशू कर रखा और आउटस्टैंडिंग अभी तक कन्वर्ट नहीं हुए इन टू द इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट, तो उस केस में रिक्वायरमेंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होगी, हाफ ऑफ द बोर्ड मस्ट कम्प्राइज ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, ऑडिट कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स, ऑडिट कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स, रिगार्डिंग द ऑडिट कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स, इसमें भी सेम, नॉर्मली ऑडिट कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स में क्या रिक्वायरमेंट होती है कि सब उससे कंपोजिशन में 2/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, लेकिन फिर वही बोल रहे हैं अगर आपकी कंपनी ने एसआर इक्विटी शेयर इशू कर रखे हैं तो रादर देन 2/3 100% ऑफ द ऑडिट कमिटी मस्ट कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट, तो सब जगह रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, वहां 1/3 से हाफ हुआ इन द केस ऑफ कंपोजिशन बोर्ड, ऑडिट कमिटी में ऑलरेडी जनरली रिक्वायरमेंट 2/3 ऑफ द ऑडिट कमिटी शुड कंप्राइज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, लेकिन अगर आपके एसआर इक्विटी शेयर्स हैं फिर वो 2/3 की जगह 100%। देखिए लिखा हुआ, सब में एक पैराग्राफ ऐड हो गया हाउएवर करके, हाउएवर इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी हैविंग द आउटस्टैंडिंग, जब तक आउटस्टैंडिंग कन्वर्ट ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर में नहीं होते, द ऑडिट कमिटी शैल ओनली कंप्राइज, मतलब क्या है 100% ऑफ ऑडिट कमिटी मस्ट कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट, मतलब ऑल द डायरेक्टर इन द ऑडिट कमिटी मस्ट बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। नेक्स्ट ऐसे नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स, नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स, रिगार्डिंग दिस हाउएवर इन द केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी हैविंग द, अगेन उसमें रिक्वायरमेंट आप जानते हैं कि साहब 2/3 की होती है, कि 2/3 ऑफ द सॉरी हाफ की होती है, सॉरी द दिस कमिटी मस्ट कंप्राइज ऑफ हाफ ऑफ द डायरेक्टर मस्ट बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। अब लेकिन अगर आपके एसआर इक्विटी तो 2/3 बढ़ा दिया, हाफ से बढ़ 2/3 कर दिया, मैं बार बोला ये रिक्वायरमेंट तो है ही है, लेकिन अगर आपकी एसआर इक्विटी से आउटस्टैंडिंग है तो रिक्वायरमेंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन दिस कमिटी विल नॉट बी हाफ, रादर इट विल बिकम 2/3। हाउ इन द केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी हैविंग आउटस्टैंडिंग एसआर इक्विटी शेयर 2/3 ऑफ द नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमिटी शैल कंप्राइज, मतलब हाउएवर इसलिए करें पहले हाफ वाली रिक्वायरमेंट लिखी हुई तो चलेगी वैसे ही, लेकिन अगर आपके केस में अगर एसआर इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग है फिर रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट हाफ की वजह क्या हो जाएगी 2/3 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 2/3। सेम ऐसे स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, वहां भी ऐसे ही है, देखिए लेकिन हाँ रिक्वायरमेंट में थोड़ा सा फर्क, देखिए स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी में रिक्वायरमेंट है कि एटलीस्ट 1 डायरेक्टर शुड इंडिपेंडेंट, जनरल रिक्वायरमेंट, लेकिन अगर एसआर इक्विटी शेयर है तो रिक्वायरमेंट 2/3 की हो जाएगी। देखिए लिखा हुआ जनरली सिर्फ एक डायरेक्टर की, कम से एक डायरेक्टर उसमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन अगर आपके एसआर इक्विटी शेयर है तो उस केस में क्या होगा रिक्वायरमेंट, देखिए एक नया पैराग्राफ ऐड हो गया, हाउ इन द केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी हैविंग द आउटस्टैंडिंग एसआर इक्विटी शेयर एटलीस्ट 2/3 ऑफ द स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी शैल कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट, वैसे जनरल रिक्वायरमेंट एक ही डायरेक्टर की, एटलीस्ट एक डायरेक्टर इंडिपेंडेंट, लेकिन 2/3 की हो जाएगी अगर आपके आउटस्टैंडिंग एसआर इक्विटी शेयर है। रिस्क मैनेजमेंट कमिटी, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी के अंदर कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिक्वायरमेंट नहीं है, रखना है रखिए, नहीं रखना है आपकी चॉइस, मतलब मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपका आउटस्टैंडिंग एसआर इक्विटी शेयर है तो उस केस में रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 2/3 एटलीस्ट। याद करने का तरीका बता देता हूँ, बोर्ड वाले केस में आपको हाफ हो गया, आपको चाहे चेयरमैन एग्जीक्यूटिव हो चाहे नॉन एग्जीक्यूटिव, ऑडिट कमेटी में 2/3 की जगह 100% हो गया, बाकी सब जगह 2/3 हो गया। नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमेटी अगर आपके आउटस्टैंडिंग एसआर इक्विटी शेयर्स हैं, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप रिस्क में सब में 2/3 हो गया। हाँ पहले रिक्वायरमेंट सब में अलग अलग थी, नॉमिनेशन रेमुनरेशन मतलब पहले क्या मतलब जनरल रिक्वायरमेंट, नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमेटी हाफ की रिक्वायरमेंट है जनरल, अब वो 2/3 हो गई। स्टेक होल्डर रिलेशन एक डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट इंडिपेंडेंट, अब वो 2/3 हो गई। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन अब 2/3 हो गई अगर आपके आउटस्टैंडिंग एसआर इक्विटी शेयर्स हैं। क्लियर? सिमिलर काइंड ऑफ चेंजेस आती है। लास्ट में एक छोटा सा चेंज है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स, ये एसआर से रिलेटेड नहीं है, एसआर इक्विटी शेयर रिलेटेड नहीं, अलग है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स, वही कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर ही।
रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में वहां पढ़ते हैं कि जनरली दो लोग के बीच में ट्रांजेक्शन बिटवीन अ कंपनी एंड अनदर पर्सन रिलेटेड पार्टी कब मानेंगे, अगर वो कंसोलिडेटेड जो टर्नओवर है उसमें एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ आपके टर्नओवर मोर देन 10%, मोर देन 10% किसका, कंसोलिडेटेड टर्नओवर का, तो उसको रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, उसको आपको इन दैट केस वो आपको मैं वो पढ़ता हूं इसके अंदर, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के अंदर सेकेंड लास्ट पैराग्राफ जो दे रखा है, इट मे बी नोटेड ट्रांजेक्शन विद द रिलेटेड पार्टी शैल बी कंसीडर्ड मटेरियल, उसको मटेरियल कब मानेंगे, इफ द ट्रांजेक्शन टू बी एंटर्ड इनटू इंडिविजुअली और टेकन टूगेदर विद द प्रीवियस ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग अ फाइनेंस एक्सीड्स 10% ऑफ एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर द कंपनी एज पर द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, मतलब कि 10% से ज्यादा अगर है कंसोलिडेटेड एक सिंगल पर्सन तो वो मटेरियल ट्रांजेक्शन मानी जाएगी। हाउएवर ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग द पेमेंट मेड टू अ रिलेटेड पार्टी विथ रिस्पेक्ट टू ब्रांड यूसेज और रॉयल्टी शैल बी कंसीडर्ड मटेरियल इफ द ट्रांजेक्शन, सब कुछ सेम है, अगर वो मोर देन 2% है, मतलब 10% की जगह क्या है मोर देन 2%, इसका मतलब क्या है, पहले बिफोर अमेंडमेंट एंड आफ्टर अमेंडमेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन मटेरियल कब मानी जाती है, पहला था जनरल कंडीशन क्या थी मोर देन 10%, आफ्टर अमेंडमेंट यहां भी जनरल मोर देन, इसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन एक था पर्टिकुलर केस के ब्रांड यूसेज और रॉयल्टी कॉन्टेक्स्ट में, अगर आप रिलेटेड पार्टी के साथ ऐसे ट्रांजेक्शन उसमें कब वो मटेरियल मान जाएगा, अगर वो मोर देन 2% था, यहां चेंज है, यहां पे इस कॉन्टेक्स्ट में ब्रांड यूसेस और रॉयल्टी कॉन्टेक्स्ट में इफ इट बिकम मोर देन 5%, यहां चेंज है, यहां पे आप चेंज है देखिए 2% की जगह मोर देन 5, मोर देन 2% मोर देन, बाकी यहां पे कोई चेंज नहीं है, ठीक है, इन द कब वो रिलेटेड पार्टी मटेरियल माना जाएगा, मैन इट कंसिडर टू बी मटेरियल इन नेचर, तो जनरल रूल तो सेम ही है, लेकिन ब्रांड यूसर रॉयल्टीज रिलेटेड अगर कंपनी और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो रही है एंड वहां पे जो अमाउंट आप पे कर रहे हैं, पहले था कि सब मोर देन 2% कंसोलिडेट टर्नओवर तब उससे मटेरियल मानते थे, अब उसको चेंज करके दे दिया मोर देन 5% तब उससे मटेरियल मानेंगे, लेकिन इस 10% वाले में कोई चेंज नहीं है, इट रिमेन्स द सेम, इट रिमेन्स द सेम। तो ये आपका एक छोटा सा चेंज था इन द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन टॉपिक इन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस चैप्टर, इन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस चैप्टर। इसके साथ मैंने आपको सारे अमेंडमेंट्स करा दिए हैं जो कि आपके SLCM पेपर में, सिक्योरिटी लोन कैपिटल मार्केट पेपर में, जो भी आपके यहाँ पे एप्लीकेबल हैं, CMSL के अंदर ही मैंने सारे करा दिए हैं, ठीक है। CMSL में एक टॉपिक और, CMSL में जो आपका एक टॉपिक आप पढ़ते हैं रेजिंग द फंड्स फ्रॉम अब्रॉड रिसोर्स मोबिलाइजेशन फॉर इंटरनेशनल मार्केट, जिसमें एक थोड़ा टॉपिक आता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, तो उसमें कुछ चेंजेस ECB वो मैं अलग से बताऊंगा आपको, ठीक है, उसकी भी अमेंडमेंट मैं दूंगा एंड, लेकिन वो न्यू सिलेबस के SLCM में नहीं है, राधा न्यू सिलेबस के वो EBCL में इकोनॉमिक बिजनेस कमर्शियल लॉ में वही अमेंडमेंट हो, मैं EBCL में बताऊंगा, ठीक है। इसका था अभी SLCM के सारे अमेंडमेंट में कहा दी, CMSL के सारे कहा दी एक्सेप्ट वन अमेंडमेंट इन द एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग में अलग से बताऊंगा, और पहली दो अमेंडमेंट थी आपको जो दो चैप्टर के अंदर थी इसके अंदर वो कॉर्पोरेट फंडिंग में भी थी, एक LODR रेगुलेशंस के अंदर और एक आपका ICDR रेगुलेशन के अंदर। इसके साथ मैंने ये सारे अमेंडमेंट बता दिए विच आर रेलिवेंट फॉर जून 2020 एग्जाम एंड आपको जो मैंने बताया नोट्स जो मिलेंगे अमेंडमेंट के जो दिए जाएंगे एंड जो लेक्चर के साथ आपको, वो तीनों के अलग अलग होंगे, कैपिटल मार्केट के अलग होंगे, CMSL के अलग होंगे, SLCM के अलग होंगे, कॉर्पोरेट फंडिंग में पेज नंबर वगैरह सब प्रॉपर होंगे, जिससे कि आपको रेफर करने में, मतलब आपके पास अगर दिसंबर 2019 एग्जाम के लिए 30 जून 2019 तक की अपडेटेड बुक है तो उसके साथ जो मटेरियल मैं अभी अमेंडमेंट का दे रहा हूँ और जो लेक्चर है मिला के पढ़ेंगे तो आपको 100% क्लैरिटी आ जाएगी। थैंक यू एंड आई होप इससे आपको सारे अप टू डेट सारे चीज़ आपको मिल जाएंगी रेलेवेंट फॉर जून 2020 एग्जाम। थैंक्स, थैंक यू एवरीवन।